हेलो एवरीवन, वी आर गोइंग टू रिवाइज वन ऑफ द लेंथीएस्ट ऑफ द थियोरेटिकल चैप्टर्स ऑफ योर सब्जेक्ट ऑफ सीए फाइनल ऑडिट, जिसके ऊपर 1 से 10 मार्क के एमसीक्यूज एंड 4 to 5 मार्क का एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एग्जाम में यूजुअली देखने को मिलता है। दिस इज ऑडिट ऑफ बैंक्स। ये कहां से हम कवर करेंगे? तो ऑब्वियसली वी शुड कवर द आईसीआई स्टडी मटीरियल विच इज बीइंग हियर, बट इट इज नॉट अ पर्टिकुलर मैटर और मटीरियल थ्रू विच यू विल बी एबल टू काइंड ऑफ इजीली रीड थ्रू एंड रिमेंबर थिंग्स। सो द बेस्ट वे टू डू इट इज ड्रोन चार्ट्स। ड्रोन चार्ट्स इन केस स्टूडेंट के पास नहीं है, अपडेटेड नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ स्टडी मटीरियल 2022 में चेंजेस भी आए थे। यू कैन सी द अमेंडमेंट्स, बट इफ यू डोंट हैव द ड्रोन चार्ट्स फॉर यू, व्हाट आई हैव डन इज आई हैव क्रिएटेड अ सिंपलर एंड अ शॉर्टर वर्जन ऑफ द ड्रोन चार्ट्स विच इज बेसिकली जस्ट बेस्ड ऑन द कीवर्ड्स। ये पीडीएफ अवेलेबल है टेलीग्राम के हमारे चैनल पर या fast.edu.in वेबसाइट के डाउनलोड सेक्शन से, जहां से आप डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के देख सकते हो। इट्स अ वेरी यूजफुल वीडियो फॉर द लास्ट डे रिवीजन, सो दैट इन केस इफ यू आर थिंकिंग टू स्किप दिस चैप्टर और नॉट कवर इट कंप्लीटली, आई थिंक जस्ट गो विद दिस पर्टिकुलर वीडियो और एक बार क्विकली इस पूरे चैप्टर को आप रिव्यू करके कॉन्फिडेंटली एग्जाम में इसे हैंडल कर पाओगे। आई गिव यू सर्टेन टिप्स एंड ट्रिक्स, जिससे कि आप मेमोराइज ईच एंड एवरीथिंग नहीं भी कर पाए तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें आप 3 से 5 पॉइंट लिख पाए। एंड फ्रैक्शनल मार्किंग क्योंकि अब नहीं होती है, तो जब भी कोई क्वेश्चन के आंसर में पॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो 1 पॉइंट विल हैव डेफिनेटली 1 मार्क, विच मीन यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉइंट्स है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप 4 से 5 पॉइंट भी एग्जाम में लिख के आएंगे तो दैट शुड मोस्टली बी सफिशिएंट। लेट्स गेट गोइंग ऑडिट ऑफ बैंक। सबसे पहले ये टॉपिक्स कैसे दिए गए हैं, तो ड्रोन चार्ट्स अगर आप देखेंगे तो यू विल बेसिकली बी एबल टू अंडरस्टैंड कि हमने यहाँ सिस्टमैटिकली इन चार्ट्स में डिफाइन किया गया है इस तरह से कि एसेंशियली ऑडिट ऑफ बैंक में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, लीगल फ्रेमवर्क क्या है, फॉर्म फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या होता है, ऑडिटर कौन कैसे अपॉइंट करेगा। तो चार्ट्स का फायदा ये होता है कि आपको एक कनेक्टिविटी के साथ चीजें दिखती है। यहाँ पे हम शॉर्ट नोट से जो डिस्कस करेंगे, हमारा उद्देश्य प्योरली इंडिविजुअल टॉपिक्स पढ़ना होगा जिसके ऊपर एक क्वेश्चन आ सकता है तो आया तो एग्जाम में क्या लिखना है। Okay, so first and foremost, starting with this particular chapter and topic, characteristics of bank, जिससे वो दूसरे commercial enterprises से different है। अगर ऐसा question आता है, common sense से भी लिख सकते हो कि भाई बैंक में बहुत सारी branches होगी, IT बहुत ज्यादा extensive use होएगा, large volume of transactions होंगे, cash में खूब ज्यादा volume of transactions आपको manage करना पड़ेंगे, मशीन बेस्ड ट्रांजेक्शन ऑटोमेटेड मशीन के थ्रू एटीएम्स के थ्रू होते हैं, देन देर वुड बी अ लॉट ऑफ केसेस जहाँ पे फंड ट्रांसफर नहीं हो रहा है पर आप लाइबिलिटीज अपने सर पे ले रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ बैंक गारंटीज, लेटर ऑफ क्रेडिट्स, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम जो क्लियरिंग मैकेनिज्म होता है उसका ये लोग पार्ट होते हैं, और बहुत सारी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट होती है। स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन इसलिए ऑडिटर के लिए क्या होंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो स्पेशल है वही स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन बनाएगा कि आपको आईटी पे खूब डिपेंडेंस होगी, बहुत सारे अलग अलग तरह के रिस्क एसोसिएटेड होंगे, अलग अलग ट्रांजेक्शन से आपके सिग्निफिकेंट एक्सपोजर्स होंगे क्योंकि आप बैंक गारंटीज वगैरह इशू कर रहे हैं, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट बहुत सारी है, आपको बहुत सारी चीजें क्रॉस चेक करना पड़ेगी। डायनेमिक मार्केट है, कंटिन्यूअसली नए प्रोडक्ट और सर्विसेज बैंक में आते रहते हैं, एटीएम, स्मॉल पेमेंट बैंक्स, ऑनलाइन ट्रांसफर्स, गोल्ड डिपॉजिट, सेलिंग ऑफ इंश्योरेंस एंड सो मेनी थिंग्स दे डू, एंड देयर इज इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी। लीगल फ्रेमवर्क जस्ट इन केस कभी आता है कि क्या क्या एक्ट्स एप्लीकेबल होती है, तो कॉमन एक्ट्स में जो सभी एंटिटीज पे लग सकती है, इट्स अ कंपनी लाइक, तो कंपनीज एक्ट है, आईटी एक्ट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर कोऑपरेटिव बैंक की बात करें तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 है, कॉमन एक्ट्स है। बैंक स्पेसिफिक क्या होता है, तो बैंक का रजिस्ट्रेशन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में, एंड देन यू हैव द आरआरबी एक्ट, SBI Act 1955 and SBI Subsidiary Bank Act is 1959. ध्यान रखना Banking Regulation Act 1934 में है, this is basically the amendment reference, तो आप exam में 1934 का reference दे सकते हैं। Then you have the Money Laundering Prevention of Money Laundering Act 2002 and the SARFAESI Act, basically Securitization and Reconstruction of Financial Interest in Securities Act, Enforcement of a Security Interest Act, Payment and Settlement Systems Act, Credit Information Act, just in case question आता है try to find at least 5 आप relevant acts लिख सके। कॉमन कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेड्यूल 3 नहीं लगता है, कंपनीज एक्ट का आरबीआई ने अलग से फॉर्मेट दे रखा है, फॉर्म ए इज ऑन बैलेंस शीट, बी इज ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दो चीजें बनती है। 6 मंथली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्लोजिंग होती है और एनुअली अप्रैल टू मार्च के ईयर में ये लोग पब्लिश करते हैं। शेड्यूल 3 बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का ही एप्लीकेबल होता है और हर बैंकिंग कंपनी को सेक्शन 133 यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कंप्लायंस करना होता है। इंडेज आज की तारीख में लगते नहीं है पर ये लोग ऑल्टरनेट इंडेज फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश प्रिपेयर करते हैं ताकि जब लगेंगे तब तक ये प्रिपेयर हो जाएंगे। देन प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट में नॉर्मली कैश फ्लो सॉरी सेपरेट एज वेल एज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या कंसोलिडेशन का मतलब है सारी ब्रांच के इंडिविजुअल बनेंगे और वो कंबाइंड होंगे सेंट्रली। अगर आपकी पूरी सेंट्रलाइज्ड अकाउंटिंग होती है जो नॉर्मली प्राइवेट बैंक्स में होती है तो फिर कंसोलिडेशन प्रोसीजर्स लगाने की जरूरत नहीं है, या कंसोलिडेशन डज नॉट नेसेसरली मीन सब्सिडीज, मोर सो विद रिस्पेक्ट टू ब्रांचेस। नेशनलाइज्ड पब्लिक सेक्टर बैंक्स में नॉर्मली एसएफएस वुड इन्वॉल्व एचओ लेवल पे एंड कंसोलिडेशन वुड इन्वॉल्व Binding with the branches. Private banks में normally centralized accounting है तो ये issue नहीं आता, इसलिए private banks में normally there would be one or joint auditors who will do the audit of all the branches in the bank. But nationalized bank में definitely will have the central statutory auditor, SCA बोलते हैं, जो bank के financial statement audit report पे finally sign करेगा, but he'll rely on the report of statutory branch auditors, SBS, जो identified set of branches का audit करेंगे और अपनी report central auditor, statutory central auditor को देंगे। तो ये ज्यादा nationalized banks में आपको देखने को मिलता है, listed है तो आपको SEBI LODR के compliances करना पड़ेंगे। ऑडिट कौन करेगा? एनीबडी हु इज क्वालिफाइड टू डू द ऑडिट ऑफ अ कंपनी विल बी क्वालिफाइड टू डू द ऑडिट ऑफ अ बैंक। तो इसका मतलब इफेक्टिवली 141 लगेगा। एक जनरल चीज ध्यान रखना, बस इंडेक्स ने 0 होना चाहिए, अनलाइक 5 लाख की लिमिट जो कंपनी एक्ट में दी गई है।
अपॉइंटमेंट कॉल करता है ऑडिटर का, इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, एग्जाम में से रिलेटेड एमसीक्यू या एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। लगता है ऐसा कि आरबीआई करती होगी, नहीं सिर्फ बैंकिंग कंपनी और नेशनलाइज बैंक में आरबीआई का अप्रूवल लगता है, बाकी अपॉइंटमेंट कंपनी के केस में एजीएम में शेयर होल्डर्स करेंगे और नेशनलाइज बैंक में सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करेगी, वो शेयर होल्डर होगी, बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू बैंक खुद ही अपॉइंट करती है, दोनों केस में आरबीआई का अप्रूवल लगेगा। तो दो जगह आरबीआई का अप्रूवल है, दो जगह सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल है, वो कहां है? वन, एसबीआई के ऑडिटर सीएनडीजी अपॉइंट करते हैं, नेशनलाइज बैंक भी गवर्नमेंट कंपनी है पर वहाँ सीएनडीजी अपॉइंट नहीं कर रहा, बैंक खुद अप्रूवल ऑफ आरबीआई, लेकिन एसबीआई के केस में सीएनडीजी करती है विद कंसल्टेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सिमिलरली इन केस ऑफ आरआरबी रीजनल रूरल बैंक, उसकी जो स्पॉन्सरर बैंक है वो करेगी प्लस सीजी का अप्रूवल। दो जगह आरबीआई का अप्रूवल विच इज बेसिकली बैंकिंग कंपनीज एंड नेशनलाइज बैंक, दो जगह सीजी का अप्रूवल विच इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड आरआरबी। एसबीआई की जो सब्सिडरीज अभी बची है धीरे धीरे सब मर्ज हो रही है, उसमें जब तक जो सब्सिडरीज है उनका एसबीआई अपॉइंटमेंट करेगा। ज्यादातर बैंक के केस में चार या उससे ज्यादा फर्म को जॉइंट ऑडिटर अपॉइंट किया जाएगा, सेंट्रल स्टैचुटरी ऑडिटर्स और एससीएस एंड दे विल हैव ब्रांच ऑडिट। इनका जो अपॉइंटमेंट लेटर रहता है, इसकी एक प्रोसीजर रिक्वायरमेंट है, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आया व्हाट इज द प्रोसीजर रिक्वायरमेंट फॉर एक्सेप्टिंग द ऑडिटर्स स्टैचुटरी सेंट्रल ऑडिटर, तो हम बोलेंगे सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेटर लेंगे जिसमें पीरियड होना चाहिए, जॉइंट ऑडिट्स हैं तो बताना चाहिए कौन कौन है, प्रीवियस ऑडिटर की इन्फॉर्मेशन ताकि हम कोड ऑफ एथिक्स के क्लॉज 8 का कंप्लायंस कर सके। प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ हमारा स्कोप डिवीजन ऑफ वर्क बिटवीन द ऑडिटर्स ब्रांच ऑडिटर एंड जॉइंट ऑडिटर्स क्या होगा वो डिफाइन होना चाहिए। ब्रांच ऑडिटर विल बी अ सिंगल फर्म ओनली, यहाँ पे ब्रांच लेवल पे जॉइंट ऑडिट्स नहीं होंगे। देन इफ यू वुड हैव सीन और डन अ ब्रांच ऑडिट यू वुड हैव नोन दैट यहाँ पे जो कंपनीज एक्ट में आपकी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है वो सब तो अपनी जगह ही है, इसके अलावा बहुत सारी दूसरी रिपोर्टिंग आपको करना पड़ती है, जैसे कि एक लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट आपको पब्लिश करना पड़ती है, साथ ही साथ में स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो और कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के ऊपर रिपोर्ट्स आती है। अपार्ट फ्रॉम दैट इनकम रिकग्निशन, असेट क्लासिफिकेशन और प्रोविजनिंग जो सबसे बड़ा एरिया है बैंक्स में, जहाँ पे आप एडवांसेस में नॉन परफॉर्मिंग असेट आइडेंटिफाई करते हो, उसके ऊपर आपको रिपोर्ट देना होगी। कोई रेगुलरिटी सीरियस है रिपोर्ट करो। घोष कमेटी के रिकमेंडेशंस का इंप्लीमेंटेशन पे एक रिपोर्ट बनती है, एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट पर एडवर्स क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो है, तो इन सबको आपको रिपोर्ट करना है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट आर द रिपोर्ट सर्टिफिकेट एडेड टू द मेन रिपोर्ट, तो आपको 5 लिखना होंगे, 5 मार्क का मैक्सिमम क्वेश्चन आता है पेपर में, 5 पॉइंट्स में बहुत हो जाएगा, तो आई थिंक सफिशियंटली आप लिख पाएंगे। इसके अलावा अगर ट्रेजरी ऑपरेशंस अगर आपकी ब्रांच पे कंडक्ट हो रहे हैं या बैंक में, तो आरबीआई को उसकी रिपोर्ट जाती है, आरबीआई की इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे उसकी रिपोर्ट बनती है, ये स्पेशल रिपोर्ट होगी। कॉमन रिपोर्ट्स इंटरनल कंट्रोल और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कंपनी जैक की जो होती है वो देना है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की जो रिपोर्ट बनती है अगर लिस्टेड कंपनी आप हैं तो आपको देना पड़ेगी, एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस रिकंसिलिएशन ऑफ सिक्योरिटी एंड प्रोडेंशियल और अदर गाइडलाइंस का कंप्लायंस। तो आई थिंक सफिशियंटली आप याद रख पाएंगे थोड़ा बहुत बैंकिंग अगर आप समझते हैं। दी वीडियो इज नॉट बेसिकली टू एक्सप्लेन और मेक यू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड दीस थिंग्स, बट टू काइंड ऑफ क्विकली रिवाइज सो दैट आप इसको एक बार सुन के वहाँ पे रेप्लीकेट कर पाए पॉइंट। तो आप इसको 3 कलर्स में ऐसे डिवाइड किया है कि कुछ कंपनीज एक्ट के ऊपर बेस्ड रिपोर्ट्स या कॉमन कंपनीज पे जो रिपोर्ट लगती है, कुछ स्पेसिफिक जो बैंक्स पे लगती है, एंड फाइनली कुछ सर्टिफिकेट्स जो लगते हैं, इनमें से कुछ आप कोड करके आए। चलिए देन कंडक्टिंग एन ऑडिट थ्योरी क्वेश्चन आता है, कुछ भी आ सकता है चैप्टर में से, थ्योरी क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कंडक्टिंग एन ऑडिट में वी विल हैव टू राइट 5 स्टेप्स। क्वेश्चन ये भी आ सकता है, वेल कंडक्टिंग एन ऑडिट व्हाइल डूइंग अ रिस्क असेसमेंट व्हाट विल एन ऑडिटर डू 4 मार्क्स, तो फिर उस केस में ये 4 कीवर्ड्स लिखना हो। आप जोन चार्ट अगर आप देख रहे हो तो ये कीवर्ड के एक्सप्लेनेशन भी मिलेंगे, इन शॉर्ट समरीज में आपको सिर्फ कीवर्ड्स मिलेंगे, तो ये डिफरेंस है जोन चार्ट और इनमें प्रमाली, but both of them cover the whole of study material, but it is not selective coverage, it is whole coverage, but the words and the grammar has been reduced. Chaliye to koi bhi audit shuru karne ke liye kya karna padta hai, acceptance lena padega indebtedness ka declaration, kyunki maine bataya zero indebtedness hona chahiye, koi aapne internal assignment concurrent audit wagera bank ke nahi kiya, agar kiye to aap statutory audit nahi kar paoge. Engagement ki terms define karenge, previous auditors se communicate karenge, planning karenge aur team establish karenge. Understanding kiski leni hai, simple si baat hai, koi bhi kaam shuru karte kisi bhi audit mein to internal control, accounting process aur risk management. फिर इसके बेसिस पे वील स्टार्ट विद रिस्क असेसमेंट, आइडेंटिफिकेशन, असेसमेंट ऑफ रिस्क, ऐसे A240 फ्रॉड रिस्क असेसमेंट, देन 330-315 में स्पेसिफिक रिस्क आइडेंटिफाई करेंगे, और 402 में कोई आउटसोर्सिंग ऑफ रिस्क है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो ऐसे इसके बेसिस पे रिस्क असेसमेंट हमारा क्या होगा। एंड देन वील स्टार्ट विद द एग्जीक्यूशन, सबसे पहले एंगेजमेंट टीम का डिस्कशन होगा, असेस रिस्क पे हम रिस्पॉन्स डेवलप करके ऑडिट स्ट्रेटजी बना के ऑडिट प्लान बनाएंगे, बेस्ड ऑन दैट वील डिफाइन द मॉड्युलिटी और एक स्पेसिफिक गोइंग कंसर्न की बात हमें ध्यान रखना पड़ेगी। सो इस तरह से इट इज प्रीटी ईजी दैट यू कैन बेसिकली डिफाइन व्हाट As in, ये पूरा आप देखेंगे तो 300 prepare responses to the risk, ये पूरी बात as such planning और execution stage पे आपको देखना होती है, and then reporting LFAR और जो भी दूसरी reports हमने देखी plus company exact की report जाएगी, ये सब कब लिखोगे, when you have a question on conducting. Next, special considerations in IT environment, क्योंकि bank में extensively IT का use होता है, everything accounting is done IT based, that is why we'll have to basically talk about 2 points here. One, considering the importance of IT in a bank, should share the following detailed information with the auditor. So this is something which we expect to get from the bank, and the key security control aspect that an auditor needs to address when undertaking an audit in a computerized bank. The question aata hai, what are the security aspects which auditor will have to see? To aap second wale part ke points likhna. Agar question aata hai, what information bank should share? First wala likhna. Agar aata hai, what are the special considerations in IT environment? Aapko dono likhna padenge brief brief. Main normally, ek part ka question aayega agar itte sare points hai. To usually. So, क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको बैंक से उसके आईटी से रिलेटेड, कि भैया उनकी क्या आईटी पॉलिसी है, उनका क्या आईटी का स्ट्रक्चर है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, एज इन कौन आईटी एडमिनिस्ट्रेटर है, टॉप पे कौन है, उसके एम्प्लॉय उसके अंदर में कैसे है, आपकी हायरार्की डिवाइडेड है,
डेटा प्रोसेसिंग कैसे होती है, बैकअप कैसे लिया जाता है, बैकअप कंटिन्यूटी प्लान कैसे, कभी डाउन हो गया सिस्टम तो डिजास्टर रिकवरी कैसे होगी, बैकअप कैसे यूज करेंगे, कैसे इंश्योर करेंगे बैकअप से करेक्ट डेटा है, तो डेटा इंटीग्रिटी, डेटा सिक्योरिटी कैसे मेंटेन होगी, एक अकाउंटिंग मैनुअल होगा जिसमें दिया जाएगा कि भैया कोई भी एंट्री अगर करना है सिस्टम में तो किस तरह से पास की जाएगी उसकी जानकारी, हाउ ऑल इन्फॉर्मेशन विच वी हैव टू डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लाइक कोई एमएसएमई इन्वॉल्व है ऐसा तो हम कैसे उसको गैदर करते हैं, ई बैंकिंग की रिकॉर्डिंग कैसे होती है, जो भी एनईएफटीज वगैरह हो क्या होते हैं, एमआईएस और एक्सेप्शन रिपोर्ट बैंक्स में जनरेट होती है, इट्स अ वेरी पिक्यूलर फीचर कि बैंक में डेली बेसिस पे एक्सेप्शन रिपोर्ट आएगी, कोई डीडी कम कमीशन पे तो नहीं बना दिया, कोई ओवरड्यू तो नहीं हो गया मेरा अकाउंट, कोई बैंक गारंटी की ड्यू डेट आ गई और गारंटी वापस फिजिकली आई नहीं है मेरे पास, बिल ड्यू हो गया पैसा नहीं आया, ये सारी एक्सेप्शन रिपोर्ट डेली बेसिस पे ब्रांच मैनेजर को देख के साइन ऑफ करना पड़ती है, तो ये सब आईटी सिस्टम से जनरेट होगी, ये सब मैनेजमेंट हमें बताएगा कि भैया ये डेटा क्रिएट। अब हमें क्या की सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स को चेक करना पड़ेगा, तो कोई भी आईटी सिस्टम में हम क्या चेक करते हैं, एक्सेस कंट्रोल टू बिगिन विद, तो वी हैव टू फर्स्ट टॉक अबाउट भैया हमारे यहाँ पे जो सिस्टम है उन सिस्टम्स के अंतर्गत व्हाट एक्सेस कंट्रोल्स डू वी हैव, एक्सेस कंट्रोल इन टर्म्स ऑफ ऑथराइजेशन कैसे होता है, डेटा कैसे हम इंश्योर करते हैं कि सही डेटा अंदर आ रहा है, सेकंड सिस्टम कभी फेलियर हो गया तो वापस रीस्टार्ट हो रहा है तो डेटा जो एक्चुअल है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है, थर्ड अनऑथराइज चेंजेस कैसे प्रिवेंट किए जाएंगे, एक्सेस कंट्रोल सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी एंड वेरीफाई चेंजेस हुए तो किसने किए हैं, किसने उसको ऑथराइज किया है, क्या प्रॉपरली अकाउंट फॉर हुए या नहीं, एंड एक्सेप्शनल रिपोर्ट क्या डेली बेसिस पे वेरीफाई हो रही है, कोई मास्टर डेटा में चेंजेस तो नहीं हुए, जनरल लेजर कोड तो कोई भी आप बैंक में अगर कोई भी एंट्री करते हो तो वो सब अकाउंट में एक कोड होगा जनरल लेजर कोड जिसमें एंट्री की जाएगी, तो इफ यू हैव टू डेबिट स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस तो देयर इज अ कोड विच यू डेबिट, ये कोड सब एचओ लेवल पे बनेंगे, बने या नहीं, और ऑब्वियसली बात है कि आपकी अगर कोई सब्सिडियरी बुक्स मेंटेन्ड है और आपके लेजर जो बुक्स में आ रहे हैं दोनों में मैचेंस मैच हो रहे हैं या नहीं, दीज आर द सिक्योरिटी एस्पेक्ट विच ऑडिटर हैव टू चेक, तो ये इन्फॉर्मेशन ऑडिटर को मैनेजमेंट से मिलेगी और ये इन्फॉर्मेशन हमारा ऑडिटर चेक करेगा, कूल। ऑडिट रिपोर्ट में नेशनलाइज्ड बैंक के केस में क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा नॉर्मली रिपोर्ट में हम क्या लेते हैं कि क्या हमने सारी इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन ऑब्टेन कर लिया, सेकंड क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं, यहाँ पे फुल एंड फेयर व्यू फॉर बैलेंस शीट यूज होता है और ट्रू बैलेंस ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर पीएनएल यूज होता है, देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पालन हुआ या नहीं हुआ है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अनुसार फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने तो उस बारे में स्पेसिफिक पॉइंट नहीं है तो एनी अदर मैटर दे दिया गया, उसके बारे में जो एक्स्ट्रा आपको ध्यान रखना है वो ट्रांजैक्शन विद इन पावर्स है, यानी बैंक्स कैन नॉट एंटर इनटू एनी और एवरी ट्रांजैक्शन, दे लाइक से फॉर एग्जांपल कैन नॉट टेक और इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट एक्सेप्ट फॉर देयर ओन यूज या फिर कोई रियल एस्टेट गिरवी रख के लोन दिया था और उसको अटैच कर लिया, तो ऐसी चीजें चेक करना है कि उनके आरबीआई के गिवन पावर्स के बियॉन्ड ट्रांजैक्शंस तो नहीं किए गए, देन फॉर्मेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होगा, तो सारे स्टैंडर्ड्स आपके ऐसे 700 सीरीज पूरी एप्लीकेबल होगी प्लस LFAR अलग है वो रिपोर्ट करना है, हालांकि ध्यान रखना बैंक्स पे कारों की रिपोर्ट नहीं लगती है LFAR क्योंकि होती है तो उसका काफी डिटेल वर्जन होता है, सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 की पूरी रिपोर्टिंग, रूल 11 की सारी रिपोर्टिंग, वो सारे पॉइंट्स डिविडेंड वाले भी पॉइंट टाइम पे हुए लॉन्ग टर्म प्रोविजंस बने या नहीं बने, इंटरमीडियरी की तरह कोई फंड तो नहीं मिला, वो सब एप्लीकेबल होंगे इन केस ऑफ बैंक्स। RBI को रिपोर्ट आपको क्या देना है, तो कोई भी अगर आपको फ्रॉड मिलता है तो उसे RBI को रिपोर्ट करना है, कंप्लायंस विद एसेस के बारे में आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। व्हाट इज लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट, तो ये सेंट्रल स्टैचुटरी ऑडिटर और ब्रांच ऑडिटर दोनों को देना होती है, ये क्वेश्चनेयर फॉर्म में होती है, चेकलिस्ट जैसी कार होती है वैसी चेकलिस्ट जैसी दिखती है, पर ये बहुत सारे एक तरफ क्वेश्चन सामने आपके पास जगह होती है जहां पे आप उसके आंसर्स देते हैं। कंसोलिडेशन एचओ लेवल पे होगा तो सारे ब्रांच ऑडिटर अपनी LFAR ब्रांच की फिल करके एचओ को देंगे, एचओ का सेंट्रल ऑडिटर उन सबको कंबाइन करके LFAR की रिपोर्ट देगा और उसमें जितनी ब्रांच है ऑडिटेड है क्योंकि सारी ब्रांचेज एक नेशनलाइज बैंक है, SBI की 10,000 ब्रांचेस है, SBI नॉट नेशनलाइज बैंक, नेशनलाइज बैंक लच्चे बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक है, तो इनकी सपोज 10,000 ब्रांचेस है, इनमें से हो सकता है 2,000-3,000 का ही ऑडिट किया गया हो, बाकी छोटी ब्रांचेस को नहीं किया गया हो, तो वो आपको कहीं पे एक प्रोपोर्शन बताना पड़ेगा कि कितने का ऑडिट नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट, LFAR आफ्टर एग्जामिनेशन इज प्लेस बिफोर द ऑडिट कमिटी ऑफ द बैंक और उसमें कोई भी नेगेटिव कमेंट्स है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उस पर एक्सप्लेनेशन देना पड़ते हैं और वो एक्सप्लेनेशन के साथ की जो रिपोर्ट है उसे आपको RBI को सबमिट करना पड़ेगा और ये पूरा प्रोसेस जिस दिन LFAR ऑडिटर से मिली उसके 60 दिन में पूरा हो जाना चाहिए, किसको सबमिट करना है फाइनली RBI को, तो LFAR डज गोज टू RBI, तो अनलाइक NBFCs जहाँ पे सिर्फ एक्सेप्शन रिपोर्ट होती थी RBI को, यहाँ पे ऐसा नहीं है। इंटरनल ऑडिट और इंस्पेक्शन, तो कॉन्करेंट ऑडिट हम आगे डिस्कस करेंगे, सेंट्रलाइज फंक्शन होता है, डिसेंट्रलाइज किया जाता है नॉर्मली कि ब्रांच लेवल पे कॉन्करेंट ऑडिट होगा फिर वो ब्रांच से जोन से एचओ लेवल पे क्लब होता है, चीफ इंटरनल ऑडिटर होता है जो ये सब कुछ मैनेज करेगा, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट होता है पूरा जिसमें आइडेंटिफाई करते हैं मोर रिस्की एरियाज और उनमें ज्यादा फोकस किया जाता है। द आइडिया इज बेसिकली टू प्लग रेवेन्यू लीकेज, इंश्योर कि RBI के नॉर्म्स का कंप्लायंस है, प्रोडेंशियल नॉर्म्स का कंप्लायंस है, तो बेसिक फंक्शन क्या है कि आपके ऑडिट फंक्शन प्रॉपर्ली काम करें, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट बैंक में कैसा होता है, तो दिस कुड बी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले कोई भी रिस्क बेस्ड ऑडिट का क्वेश्चन नहीं भी आया तो सिंपल स्टेप होगा, पहला रिस्क आइडेंटिफिकेशन, फिर असेसमेंट ऑफ रिस्क, बेस्ड ऑन दैट वी विल डिटरमाइन वेयर व्हाट रिस्क इज एंड अकॉर्डिंगली विल डेवलप आवर रिस्पॉन्स टू दैट पर्टिकुलर रिस्क विच इज बेस्ड ऑन अ रिस्क मैट्रिक्स, जिसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे ये ब्रांच पर ज्यादा है, इस तरह के रिस्क इस ब्रांच में और इस तरह से फिर उनको ऑडिट में कवर करेंगे। So this is all about audit with respect to the branches. अब इस पूरे चैप्टर में क्या किया गया, this is one first part which is relating to भैया ऑडिटर कौन होगा, कैसे स्टार्ट करेगा, stuff like that. Second part में अब इंटरनल कंट्रोल्स ब्रांच में क्या होते हैं, बैंक में क्या होते हैं, थर्ड पार्ट अलग अलग एरियाज का हम कैसे ऑडिट करते हैं, एंड देन फाइनली कॉन्करेंट ऑडिट। तो इस तरह से पूरे चैप्टर को डिवाइड किया गया है, हमने एक पार्ट जिसमें 7 पॉइंट्स कवर कर लिए, ये सब ऑडिट ऑडिट कैसे शुरू होगा एंड बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रांच बैंक एंड ऑल दैट स्टफ था। चलिए तो अब अपन बात करते हैं इंटरनल कंट्रोल्स इन सिलेक्टेड एरिया। इसमें यूजुअली
आपको क्वेश्चन कोई पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड आएगा तो आपको उसके पॉइंट्स ध्यान में होना चाहिए। बहुत सिंपल है, थियोरेटिकल है, इसलिए हो सकता है याद करने में दिक्कत आए, बट बड़ी आसानी से आप इसको एक बार सुन के एग्जाम में लिख पाओगे आसानी के साथ, बहुत आसानी के साथ। जनरल इंटरनल कंट्रोल क्या होना चाहिए बैंक में? नॉर्मली सिंपल है, यहाँ पे जॉब रोटेशन होना चाहिए बिना बताए या बिना कोई प्रायर एडवांस इन्फॉर्मेशन के। वर्क पीपल शुड बी फ्रीक्वेंटली चेंज विदाउट प्रॉपर नोटिस और प्रायर नोटिस। हमेशा क्रॉस चेकिंग होना चाहिए, इंटरनल चेक एक ने काम किया दूसरा चेक करें। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी नॉर्मली इसके लिए कॉन्करेंट ऑर्डर होता है, बट क्योंकि डेली बहुत सारी कैश में आप डील करते हो तो इट इज इंपॉर्टेंट टू क्रॉस चेक। बैंक में कई सारे फॉर्म्स होते हैं जैसे डीडी बुक्स वगैरह, इनफैक्ट कैश भी होती है, सिक्योरिटीज भी होती है, ये सब प्रॉपर ऑफिसर की कस्टडी में होना चाहिए। सिग्नेचर बुक होती है जिससे आप चेक करोगे, कोई भी डीडी वगैरह अगर दूसरी ब्रांच बनाती है साइन करता है उसका ऑफिसर, तो हम यहाँ पे करने से पहले क्रॉस चेक करते हैं। ऐसे टेलीग्राफिक कोड अब तो होते नहीं, ऑनलाइन ट्रांसफर जब पहले होते नहीं थे तो टीटी ट्रांसफर्स हुआ करते थे, यहाँ से हम एक कोड देते थे दूसरी ब्रांच को जिसके बेसिस पे ब्रांच समझ जाती थी अच्छा इतना पैसा इस खाते में जमा करना है। तो वो कोड बुक एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए, क्योंकि वो गायब हो गई तो आदमी उस कोड के थ्रू कितना भी पैसा एक से दूसरी जगह ट्रांसफर कर देगा। और डेलीगेशन ऑफ पावर होता है, ब्रांच मैनेजर के पास कितने पावर है, नीचे की अथॉरिटी के पास कितने पावर है, कितने के लोन सैंक्शन करने के लिए, कुछ स्पेसिफिक फीचर्स है बैंक के। कैश बहुत सारे पॉइंट है, मैं आपको काम के चार पांच पॉइंट बताऊंगा क्योंकि एग्जाम में उतने कोड करने से काम जाएगा। जॉइंट कस्टडी में होना चाहिए, डेली बेसिस पे आप वेरीफाई करेंगे फिजिकली और बुक्स में जो कैश आ रही है वो आपस में मैच हो रही है या नहीं हो रही है। नॉर्मली बुक्स में और फिजिकल कैश आपस में दोनों बैलेंसेस मैच होना चाहिए, टेस्ट चेक डेली बेसिस पे की जाना चाहिए। पेमेंट अगर कैश में हो कोई भी तो ऑथराइज व्यक्ति ही करे। सिमिलरली हाई वैल्यू कोई भी रिसीप्स और पेमेंट हायर ऑफिसर से, ये अमेंडमेंट हुआ था 2022 में, इसको ऐड किया गया, तो हायर ऑफिसर नॉर्मली हाई रिसीप्स एंड पेमेंट्स के कोई भी ट्रांजैक्शन है तो उसे चेक करें। सिमिलरली हर ब्रांच पे एक लिमिट होती है कि इससे ज्यादा कैश नहीं रखना, क्योंकि वो एक आइडल फंड है, उससे कोई रिटर्न नहीं कमाते हो आप कैश इन हैंड ज्यादा रख के। तो बैंक की उस सिटी में जो भी करेंसी चेस्ट होती है, एक रिटेंशन पॉलिसी होती है कि 10 लाख के ऊपर कैश इन हैंड नहीं होना चाहिए, तो आप उसको रिटेंशन इनफैक्ट करेंसी चेस्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर बैंक में ट्रांसमिट कर देंगे, ताकि किसी ब्रांच पे कम है तो बैंक वहां से उठा के पैसा वहीं यूज कर लेगी या फिर कहीं इन्वेस्ट कर देगी। दिस इज समथिंग व्हिच यू हैव टू इंश्योर विद रिस्पेक्ट टू कंट्रोल्स एंड कैश। क्लियरिंग सिस्टम में क्या होता है, आपका क्लियरिंग जो भी मैकेनिज्म होता है उसमें आपके पास ट्रंकेटेड चेक्स, तो किसी ने हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेरा खाता है, मैंने आपके फेवर में चेक लिखा, आपने बैंक ऑफ इंडिया में उसे प्रेजेंट किया, बैंक ऑफ इंडिया की क्लियरिंग में वो जाएगा तो वो उसकी एक कॉपी बनेगी और वो कॉपी दिखेगी किसको, SBI के ऑफिसर को ऑनलाइन, जिससे वो उसे अप्रूव कर देगा। अप्रूव करने के लिए उससे पहले साइन चेक करना पड़ेगी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेरा खाता है जो साइन चेक पे की गई है वो मैच हो रही है या नहीं हो रही। एक पॉजिटिव पे सिस्टम होता है, 5 लाख से ऊपर के हाई वैल्यू चेक्स होते हैं तो पहले से फिर बैंक को आपको इंफॉर्मेशन देना पड़ता है, बैंक कंफर्मेशन लेती है उसके बाद ही क्लियर करती है, नहीं तो क्लियर नहीं करती है। तो दैट इज अनदर थिंग, ये क्योंकि नई चीज है तो हो सकता है ये एक इंपॉर्टेंट हो। तो ट्रंकेशन सिस्टम है, पॉजिटिव पे सिग्नेचर आपको चेक करनी है, और कोई भी अनपेड चेक है तो उस पर आपके चार्जेस प्लस आपको चेक रिटर्न फिजिकली करना पड़ेगा। कोई भी बिल फॉर कलेक्शन है तो ध्यान रखना कि वो एक बैंक से दूसरी ब्रांच पे अगर कलेक्शन के लिए गए तो दोनों जगह उसको डुप्लीकेट करके आप अकाउंट फॉर ना करें। रजिस्टर बनाया जाता है उसका कि ये बिल्स कलेक्ट करने के लिए आए थे, और जब कलेक्ट हो जाएगा तब हम एडवाइस दे देंगे। तो नॉर्मली क्या है, कोई भी बिल फॉर कलेक्शन का मतलब एसेंशियली होगा कि कोई हमारे अच्छे कस्टमर के पास कोई पर्टिकुलर दूसरी पार्टी का बिल है, उसने हमें दिया कलेक्ट करने के लिए, LCs वगैरह में यूजुअली होता है, हम उसके भी आप उसे सेंड करेंगे, पैसा कलेक्ट करके उसको क्रेडिट करेंगे, जब पैसा आएगा तभी हम उसको कलेक्ट करके उसके खाते में जमा करेंगे। तो इसका ड्यूप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग नहीं होना चाहिए। हो सकता है कि बिल आगे की डेट का है तो बैंक उसे परचेज कर ले और डिस्काउंट चार्जेस कमाने के चक्कर में, तो बिल परचेज आपने किया है तो सबसे पहले ओरिजिनल बिल आपके पास होना चाहिए और वो आपकी बैंक के फेवर में साइन किया जाना चाहिए। मार्जिन आप रखें कि कभी पैसा नहीं आया तो आपके पास उस कस्टमर के दूसरे अकाउंट्स ऑलरेडी चल रहे हैं या लोन चल रहे हैं जिनमें एडिक्वेट मार्जिन है, जिससे पैसा रिकवर नहीं होने पर आप रिकवर कर पाओगे। नॉर्मली बैंक सिर्फ अपने एक्जिस्टिंग बॉरोअर्स को ही ये फैसिलिटी देती है जिनकी ऑलरेडी कोई सिक्योरिटी हमारे पास गिरवी रखी हुई है। नहीं बिल कलेक्ट कर पाए समय पे तो इमीडिएटली हमें उसके खाते को डेबिट करना पड़ेगा और स्टेप्स लेना पड़ेंगे। इसमें अगर कोई रिकवरी नहीं हो पा रही है तो एचओ को रेगुलर अकाउंट्स बताना। लोन्स एंड एडवांसेस के इंटरनल कंट्रोल पे क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं। कोई भी लोन आप दोगे जो बैंक का सबसे प्राइमरी फंक्शन होगा और रेवेन्यू सोर्स जनरेशन सोर्स होगा, आपको एक चीज ख्याल रखनी है कि लोन देते समय क्या कंट्रोल होना चाहिए। तो सिंपल से 5 कंट्रोल, भैया लोन दे रहे हैं तो सामने वाले की एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आएगी तो पर्पज होगा, उसके बेसिस पे ही लोन एडवांस किया जाएगा। कुछ कंडीशन होंगी हमारी जिसको हम क्रॉस चेक करेंगे इन टर्म्स ऑफ पेपर्स, डॉक्यूमेंटेशन, लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स विल नीड, सिक्योरिटी के डॉक्यूमेंटेशन होंगे हमारे फेवर में, मॉर्गेज टाइटल डीड्स को हाइपोथिकेट किया जाएगा या मॉर्गेज किया जाएगा, असेट्स या सिक्योरिटीज को वो चेक करना पड़ेगा, फिर सैंक्शन की पूरी टर्म्स डिफाइन होगी, इंटरेस्ट रेट डिफाइन होगा, फिर डिसबर्सल होगा, फिर रिव्यू ऑफ ऑपरेशंस होंगे, देखेंगे खाता एनपीए तो नहीं हो गया, रिकवरी में डाउट तो नहीं है, और प्रोविजनिंग करने की जरूरत पड़ेगी। ये सब चीजें हैं जिनको आप लोन्स एंड एडवांसेस से रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल में देख सकते हैं। तो पहले क्रेडिट वर्थनेस चेक करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन होगा, सिक्योरिटीज ली जाएंगी, उन सिक्योरिटीज को रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर के साथ रखा जाएगा, बैंक के फेवर में रजिस्टर किया जाएगा, विड्रॉ ज्यादा नहीं हो तो उस पर अलर्ट रेज करेंगे, और कम से कम साल में एक बार अकाउंट को रिव्यू करेंगे। Then you can also, if you want, you can talk about accounting and provision, but क्योंकि ऐसे है कि मॉड्यूल में चीज यहाँ नहीं दी है, बेटर अवॉइड। डिमांड ड्राफ्ट, तो बैंक के पास में क्या, और ICICI के फेवर में डिमांड ड्राफ्ट बनाया पेबल इन दिल्ली, तो मैं इंदौर की अपनी ब्रांच में 1000 रुपये देता हूँ पेबल टू ICICI इन दिल्ली, तो यहाँ की ब्रांच 1000 रुपये रिसीव करेगी और रिसीव करके वो एडवाइस देगी अपनी दिल्ली ब्रांच को कि ICICI नाम की एक संस्थान की डी डी क्लियर करने अगर आए तो उसे 1000 रुपये उसके खाते में ट्रांसफर करवा देना।
इसलिए इंदौर ब्रांच को पैसा मिला है और दिल्ली ब्रांच को देना है, तो इंदौर ब्रांच पैसा रिसीव करके दिल्ली पे एक एडवाइस क्रिएट करेगी कि भैया हमने इतने का डीडी बना के दिया है और ये डीडी आपके पास क्लियर करने को आया तो इसे ऑनर कर देना। तो डिमांड ड्राफ्ट के केस में सबसे पहले डीडी कौन बनाएगा, रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर के सिग्नेचर होंगे, जब दिल्ली ब्रांच में प्रेजेंट होगा तो वो क्रॉस चेक करेंगे सिग्नेचर बुक से कि वो मैच हो रहे हैं या नहीं। सारे डीडी इस पे आपको एडवाइस बना के इमीडिएटली बताना पड़ेगा कि ये रिसीव किया तो आपके पास आए तो आप इसे पे कर दीजिएगा, और जो पेइंग ब्रांच है उसे कंफर्मेशन एडवाइस देख के ही पेमेंट करना। इनकेस एडवाइस अवेलेबल नहीं है तो पेमेंट करने से मना नहीं कर पाएंगे, तो कई बार आपको पेमेंट करना पड़ता है, पर इमीडिएट स्टेप्स ले पता करने के लिए कि एडवाइस क्यों नहीं आई है। प्लस जैसे ही पेमेंट किया वैसे ही दिल्ली ब्रांच इंदौर ब्रांच को डेबिट कर देगी, क्यों, क्योंकि उसने पेमेंट किया जिसका रिसीव्ड इंदौर ब्रांच के पास हुआ है, फिर एचओएमएस को रिकंसाइल किया जाएगा। इस तरह से इंटर ब्रांच अकाउंट हो सकते हैं, इंदौर ब्रांच को पैसा दिल्ली को देना है, दिल्ली को इंदौर ब्रांच से पैसा लेना है, तो ये एचओ लेवल पे रिकंसाइल होते हैं। इसमें कोई भी आउटस्टैंडिंग रिकंसिलिएशन एंट्री बहुत लंबे समय से पेंडिंग नहीं होना चाहिए, इसलिए एचओ की जिम्मेदारी है कि वो एक्शंस इमीडिएटली ले ताकि कोई अनरिकंसाइल्ड बैलेंसेस ना। क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस में क्या ध्यान रखना है, क्रेडिट वर्दनेस के बेसिस पे कार्ड इशू हो, जो कार्ड्स की फिजिकल डॉक्यूमेंट्स आपके कार्ड्स हैं उसकी कस्टडी पे आपको कंट्रोल रखना है, सीरियल नंबर होना चाहिए, कार्ड क्रेडिट वर्दनेस के बेसिस पे लिमिट दी जाएगी, रिपेमेंट रेगुलर आ रहा है या नहीं आ रहा है तो उसके करेक्टिव एक्शंस लिए जाएंगे, ये सारी चीज स्टेटमेंट आपको समय समय पे देना पड़ेगा, चार्जेस रिकवर करना पड़ेंगे एंड स्टफ लाइक दैट। इंटरनल कंट्रोल रिलेटेड ये बेसिकली आप बोल सकते हो, दीज आर ए टू लेकर आई तक के ये पॉइंट्स, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, इंटरनल कंट्रोल्स इन बैंक रिलेटिंग टू लोन्स एंड एडवांस, क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस, कैश इन बैंक, ये चीजें आपको लेकर। अब ऑडिट पे आते हैं, सबसे पहले सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो या स्टैच्युटरी लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट, सॉरी स्टैच्युटरी लिक्विडिटी रेशियो। अलग अलग समय पे आरबीआई 1% देती है कि भाई आपका 4% सीआरआर होना चाहिए या लच्चे आपका 25% एसएलआर होना चाहिए, तो ये जो रेशियो है ये किसका परसेंटेज है, तो दिस इज अ परसेंटेज ऑफ योर डिमांड एंड टर्म लाइबिलिटी। तो डिमांड टर्म लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, बैंक कोई भी पैसा जो लोगों का लेती है तो वो उसे लौटाना होता है, तो वो उसकी लाइबिलिटी है। ये पैसा जब सामने वाला चाहे तब वो निकाल सकता है, जैसे अमाउंट कैप्ट इन करंट अकाउंट सेविंग बैंक अकाउंट इज टर्म्ड एज डिमांड डिपॉजिट। पर अगर पैसा मैंने बैंक को दिया है और कहा है कि ये एक साल की एफडी कर दीजिए, तो इट्स अ फिक्स्ड डिपॉजिट यानी टर्म डिपॉजिट, एक साल बाद दे। बट क्योंकि कस्टमर अगर चाहे तो वो दो महीने बाद भी आगे बोल सकता है मेरी एफडी तोड़ो और मुझे पैसे दो, इसलिए प्रैक्टिकली स्पीकिंग टर्म डिपॉजिट्स भी एक तरह से रीपेबल इमीडिएटली हो सकता है अगर कस्टमर चाहे तो। इसलिए मुझे इंश्योर करना है कि मेरे सारे डिमांड और टर्म डिपॉजिट का एटलीस्ट एक परसेंटेज पैसा मैं लिक्विड सिक्योरिटीज में रखूं, कुछ कैश में और कुछ लिक्विड सिक्योरिटीज में जो कहीं पर भी मॉर्गेज नहीं हो, जिसे बोलते हैं अनकंबर्ड सिक्योरिटीज, और सेफ सिक्योरिटी हो जिनकी वैल्यूएशन में बहुत ज्यादा रिस्क नहीं हो, आरबीआई नोटिफाई करती है ये क्या तरह की सिक्योरिटीज हो सकती है, ताकि इनकेस अगर मेरे से लोग पैसे मांगने हैं तो मेरे पास लिक्विडिटी रहे पैसे देने की। अगर एसएलआर 25% है तो इसका मतलब ये होगा कि आपने जितनी लाइबिलिटीज डिमांड और टर्म ले रखी उसका 25% आपके पास सेफ सिक्योरिटीज में होना चाहिए। इससे एटलीस्ट ये इंश्योर होगा कि भाई ऐसा तो नहीं है कि कल के कल सारे के सारे लोग पैसे मांगने आ जाएंगे, तो 25% इज अ गुड कुशन। हो सकता है आरबीआई से कभी 25 की जगह 24% कर दे, 18% कर दे, इस तरह से ये रेट डिपेंडिंग ऑन मॉनेटरी पॉलिसी चेंज होते रहता है। ऑडिटर को क्या चेक करना है, तो सबसे पहली चीज ये बैंक एज अ होल पे आपको मैनेज करना है। ब्रांच लेवल पे स्टैच्युटरी ऑडिटर जो सेंट्रल ऑडिटर होता है वो साल भर में कोई 12 डेट निकालेगा, फ्राइडे छोड़ के डेट निकालेगा, हर एक वीकडे इंक्लूडिंग संडेज, इनफैक्ट वो दो बार कवर करेगा, तो फ्राइडे छोड़ दिए तो 6 डेज बचे, 6 डेज में दो संडे, दो मंडे, दो ट्यूसडे, और हर महीने की एक एक तारीख रैंडम बेसिस पे निकाल के वो बोलेगा कि ब्रांच पे आरबीआई को इसके रिटर्न सबमिट होते हैं, एचओ को इसके रिटर्न सबमिट होते हैं, जो रिटर्न में इन्फॉर्मेशन दी है इस रेशियो से रिलेटेड वो करेक्ट है या नहीं है ब्रांच को चेक करना। सब कुछ कंप्यूटराइज होता है तो आजकल इतना मुश्किल नहीं है, बट फिर भी चेक करते समय कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि डिमांड टर्म लाइबिलिटी जो डिनोमिनेटर है उसका 25% आपके पास क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर विच इज कैश और अनकंबर्ड सिक्योरिटीज अगर 25% से ला रहे तो जो डिमांड टर्म लाइबिलिटी है उसमें कुछ चीजों को शामिल करना होता है और कुछ को नहीं करना होता है, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ यूज है। तो सीआरआर और एसएलआर आपको मेंटेन करना है, 12 ऑडिट स्टैच्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर ब्रांच ऑडिटर को देगा, उस दिन पे आपको डीटीएल और जो न्यूमरेटर है उसके कंपाइलेशन चेक करना है सही है या नहीं। तो यहाँ पे फोकस क्या होगा कंप्लायंस सीआरआर एसएलआर का चेक करने के लिए, ब्रांच ऑडिटर क्या करेगा, जो वीकली ट्रायल बैलेंस सेंड किया जाता है एचओ को उसमें करेक्ट डेटा दिया है या नहीं, क्योंकि उसके बेसिस पे एचओ पे वो कंसोलिडेट होकर कैलकुलेट किया जाएगा। तो इसके लिए आपको सिर्फ ये करेक्टनेस वेरीफाई करना है और कुछ भी नहीं करना है। यू कैन बी आस्क्ड टू वेरीफाई कैश बैलेंसेस ऑन सिलेक्टेड डेट, क्योंकि वो न्यूमरेटर का पार्ट है, बिकॉज लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए या तो कैश हैंड हो या फिर अप्रूव सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट्स हो। देन आपको बोला जा सकता है कि भाई जो डिमांड टर्म लाइबिलिटी है डिनोमिनेटर में वो क्या होना चाहिए, उसमें इंटरेस्ट जो पे करना है वो भी जिस दिन आप डिटेल कैलकुलेट कर रहे हो या रेशियो निकाल रहे हो उस तारीख तक का जोड़ना होता है, भले आप इंटरेस्ट मंथली चार्ज करो या क्वार्टरली या हाफ ईयरली, बट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए इंटरेस्ट नॉट ड्यू शुड ऑल्सो बी चार्ज टिल दैट पर्टिकुलर डेट। तो इस तरह से आपको वेरीफाई करना है, प्लस जो सेंट्रल ऑडिटर है उसे बताना पड़ता है भाई हमने इतनी ब्रांचेस पे वेरीफाई करके एसएलआर को वेरीफाई किया है, 100% वेरीफिकेशन वो भी नहीं कर सकते। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज डिटेल में क्या नहीं आएगा, कोई भी इक्विटी या रिजर्व्स है ऑब्वियसली वो आपकी डिमांड टर्म लाइबिलिटीज नहीं है, गोज विदाउट सेइंग। सेकंड, अगर बैड डेट कोई रिकवर हुई और अभी आपने उसको पेंडिंग करके रख रखा है एलोकेट करना है, तो वो अभी आपने हो सकता है रिकवर होने पे बैंक टू बैड डेट रिकवर्ड लाइबिलिटी में दिखाया और उसको आप एडजस्ट करने वाले अकाउंट से, तो वो आपकी लाइबिलिटी भले ही आ रही है पर उसको डिटेल में शामिल नहीं करेंगे। सिमिलरली कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई बिल का पेमेंट कर दिया है, उसका पैसा आपको मिल चुका है पर एलोकेट करना बाकी है, मे बी फॉरन बिल्स में एक्सचेंज रेट मिलना बाकी है उस कारण से, तो ये भी डिमांड टर्म लाइबिलिटी नहीं मानी जाएगी। सिमिलरली कोई पैसा इनकेस आपको मिला है फॉर डिविडेंड वारंट्स विच इज पेंडिंग एलोकेशन,
या शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग रिफंड है, इस तरह की चीजों को डिमांड टर्म लाइबिलिटी का पार्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि ऐसे भी वो पैसा बैंक यूज नहीं कर सकती है। वो बेसिकली एक तरह के ऐसे अकाउंट में पड़ा रहता है जिसमें एस्क्रो होता है, बैंक उसे विड्रॉ नहीं कर सकती है। प्लस मार्जिन हेल्ड इन संडे डिपॉजिट्स, ऐसे कोई संडे डिपॉजिट्स है, एडवांस वगैरह अपन कई बार किसको देते हैं, एम्प्लॉइज को फॉर मेकिंग एक्सपेंसेस, उसमें कोई क्रेडिट बैलेंस है, तो वो सब डिटेल में नहीं आएगा। व्हाट विल बी इंक्लूडेड इन डिटेल, इसमें ध्यान रखना ये इंक्लूड है, ड्रोन चार्ट में ये मिसप्रिंट था, एक्सक्लूड हो गया था, इंक्लूडेड इन डिटेल है। तो एक ब्रांच ने, इंदौर ब्रांच ने 1000 रुपए डीडी के लिए, तो उसकी बुक्स में एंट्री क्या हो गई, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट टू दिल्ली ब्रांच, तो क्रेडिट बैलेंस हो गया। अब ये डीडी अगर पे नहीं हुआ है तो ये बुक्स में अभी भी लाइबिलिटी दिखेगा, और ये लाइबिलिटी है तो ये डिमांड टर्म लाइबिलिटी में आएगा। तो अगर कोई ब्रांच को पैसे देना मेरी बुक्स में आ रहे हैं तो वो डिमांड टर्म लाइबिलिटी का पार्ट है, क्योंकि उस ब्रांच ने आगे उसको पे अभी नहीं किया है। सिमिलरली कोई भी बोरिंग आपकी इंडियन बैंक की बेसिकली इज फ्रॉम अब्रॉड, नॉस्ट्रो अकाउंट के रिकंसिलिएशन है, तो ये भी डिमांड टर्म लाइबिलिटी में आएंगे। तो ये दो चीजें आएंगी और वो चार नहीं आएंगी, ये ध्यान रखिए। तो ये आपका स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो का वेरिफिकेशन हो गया। अब इसके बाद हमें क्या चेक करना है, तो वी हैव टू नाउ चेक ऑल दी असेट्स एंड देन वी हैव टू गो टू ऑल द लाइबिलिटीज एंड देन वी हैव टू गो टू कंटिजेंट लाइबिलिटीज, इससे हमारे सारे बैंक ऑडिट के चैप्टर के वेरिफिकेशन हो जाए। तो सबसे पहले कैश बैंक बैलेंस, मनी एट कॉल एंड मनी एट शॉर्ट नोटिस। मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस क्या होता है, जैसे आप इन्वेस्ट कर देते हैं कहीं पे और वो 3 दिन से 14 दिन के टाइम फ्रीक्वेंसी के अंदर अंदर आप पैसा वापस मंगा सकते हो। तो नॉर्मली ये कैश रिजर्व रेशियो और स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो मेंटेन करने के लिए, कि वो कम हो गया तो आप बोरो कर लेते हो, शॉर्ट टर्म के लिए ज्यादा हो गया तो आप किसी को लेंड करके उस पर थोड़ा ब्याज कमा लेते हैं। कैसे चेक करना, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि जितना बुक्स में कैश और बैंक बैलेंस आ रहा है वो एग्जिस्ट कर रहा है और पूरा का पूरा बुक्स में रिकॉर्ड हो रहा है। तो एग्जिस्टेंस और कंप्लीटनेस, ये दो असर्शन मुझे वेरीफाई करना। जितनी बैलेंस शीट में कैश आ रही है ऑफ ऑलमोस्ट ऑल ब्रांचेस, नो बैंक अकाउंट रिक्वायरिंग रिपोर्टिंग एक्सेप्ट विद ट्रेजरी ऑपरेशंस। इसका मतलब यह है कि सारी ब्रांचेस की जो भी कैश होगी वो टोटल मेरे पास मुझे लेके आना पड़ेगी, बुक्स में आएंगे। ट्रेजरी ऑपरेशंस अगर कुछ है तो वो नॉर्मली अलग से ऑडिट होता है। मनी एट कॉल और शॉर्ट नोटिस नॉर्मली ट्रेजरी डिपार्टमेंट अलग से मैनेज करेगा, ब्रांच लेवल पे ऑपरेशंस देखने को नहीं मिलेंगे। तो ऐसा है कि ब्रांच लेवल पे यू विल बी एबल टू सी ऑल कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन एक्सेप्ट ट्रेजरी रिलेटेड, जिसकी सेपरेट ब्रांचेस होती है या एचओ लेवल पे होती है। आप देख लीजिए, एक तो इंटरनल कंट्रोल प्रॉपर है जो अपन ने पहले डिस्कस किया था, बैलेंस रिकनसाइल हो रहा है और इंटरनल कंट्रोल एक्चुअल में ऑपरेटिंग इफेक्टिवली है, यानी सिंपल। ये जनरल पॉइंट हो गया। फिर कैश फिजिकली वेरीफाई कर लो और देख लो बुक्स में और इसमें मैच हो रहा है। आरबीआई के केस में आप क्या करोगे, एप्लीकेबल ओनली टू ब्रांचेस जिसका आरबीआई में अकाउंट है। तो नॉर्मली एचओ का होगा तो एचओ लेवल का ऑडिटर चेक करेगा। ध्यान रखना, इस चैप्टर में हम ब्रांच ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादातर चीजें पढ़ते हैं। अगर कोई आरबीआई का आपका अकाउंट है तो आप उससे एक लेजर कंफर्मेशन ले लोगे कि भाई हमें आपको इतने पैसे जमा कर रखे, आपने इतने कर रखे, डिफरेंस है तो उसका रिकंसिलिएशन होगा। कोई भी थर्ड पार्टी के पास पैसा होता है तो यही किया जाता है। रिकंसिलिएशन नॉर्मली किन चीजों का हो सकता है, कोई कस्टम एक्शन अनरिस्पॉन्डेड है, कोई रेवेन्यू आइटम है, उसने कोई इंटरेस्ट बुक किया, हमने बुक नहीं किया, या उसका कोई राइट ऑफ है, या कोई दूसरी डेबिट क्रेडिट एंट्रीज है। रूल है कि 15 दिन से ज्यादा के लिए कोई भी चीज अनरिकंसाइल्ड नहीं रहना चाहिए है, तो फिर ऑडिटर को असेस करना होगा भाई इसका क्या रीजन है, कोई लॉजिक होना चाहिए। अदर देन आरबीआई कोई बैंक बैलेंस है, सेम चीजें चेक करेंगे अपन की बैलेंस मैच हो रहा है, रिकंसिलिएशन प्लस देखेंगे रिकंसिलिएशन के रीजन क्या। तो कोई चार्जेस का डेबिट क्रेडिट तो नहीं है, कोई इंटरेस्ट का डेबिट क्रेडिट तो नहीं है, तो अकाउंट फॉर करना है क्या, कोई चेक इन ट्रांजिट वगैरह तो नहीं है, क्लियरिंग में तो सब्सिक्वेंट इवेंट से देख लेंगे क्लियर हुआ या नहीं, ये कब, ये सब रिकंसिलिएशन से रिलेटेड है। सिमिलरली कोई बिल और चेक पेंडिंग रिकंसिलिएशन है, और खासतौर पे आप ये देख लीजिए कि जो भी लास्ट ट्रांजैक्शंस हैं वो लास्ट ट्रांजैक्शंस में कोई रिकंसिलिएशन पेंडिंग नहीं हाँ चाहिए। क्यों ऐसा किया जा सकता है, जस्ट फॉर विंडो ड्रेसिंग, मुझे दिखाना है कि बैलेंस इन बैंक ज्यादा है तो मैंने विंडो ड्रेसिंग के लिए दिखा दिया कि भैया इनको इतना चेक पे किया और बैलेंस उसमें डेबिट कर दिया, तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है पर्टिकुलरली चेक कर। कॉल शॉर्ट नोटिस नॉर्मली एचओ लेवल पे होगा, इस पर एक ऑथराइजेशन होगा, आपका सिस्टम होगा, सर्टिफिकेट मिलेगा, जब भी आप पैसा किसी को मनी एट कॉल दोगे उससे वेरीफाई कर लेंगे, और टोटल अकाउंट और कंट्रोल अकाउंट से आप मेजर कर लीजिए। ये नॉर्मली शॉर्ट ड्यूरेशन होता है तो सब्सिक्वेंट इवेंट से पैसा वापस आया नहीं चेक कर सकते। ये हो गया कैश इन बैंक से रिलेटेड। देन इन्वेस्टमेंट्स, सबसे पहले इंटरनल कंट्रोल क्या होगा, तो आपकी एक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी होना चाहिए बैंक की, क्योंकि इनके पास तो कितना सारा पैसा है तो ये कहाँ इन्वेस्ट करेंगे नहीं करेंगे, और इंटरनल कंट्रोल की भैया ये इन्वेस्ट करने के लिए किसकी अथॉरिटी लगेगी, कौन सैंक्शन करेगा, कौन अप्रूव करेगा, किसकी क्या लिमिट्स होंगी, तो ये क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए अलॉन्ग विद ऑल द इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। ध्यान रखिएगा कि इन्वेस्टमेंट करने वाला स्टाफ दूसरे स्टाफ से यूजुअली अलग होता है, रिकनसाइल कर लीजिए जो भी आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं और आपके पास जो फिजिकल सिक्योरिटी। आरबीआई में आपने अगर कोई इन्वेस्टमेंट किया जैसे रेपो रेट वगैरह में आप बॉन्ड्स खरीदते हैं आरबीआई के, तो उसके लिए फिर आपका सब्सिडरी जनरल लेजर विद पब्लिक डेट ऑफिस ऑफ आरबीआई बनता है। कुछ भी नहीं है, जैसे डीमैट अकाउंट होता है जो आपका शेयर का बैलेंस बताता है, वैसे ही आरबीआई के साथ आपका एक एसजीएल अकाउंट होता है जो बताता है कि आपका आरबीआई से क्या लेन देन बाकी है फॉर एनी बॉन्ड विच यू आर सब्सक्राइब, तो उससे वेरीफाई कर लीजिए। कोई भी इन्वेस्टमेंट विद इन बैंक अथॉरिटी है, जैसे रियल एस्टेट में आप नहीं कर सकते हो, ओनरशिप पे कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, डिस्पोजल किया है तो आप चेक कर लीजिए कि वो बुक्स में नहीं आ रहा है, और कोई भी नया इन्वेस्टमेंट खरीदा या बेचा है तो कॉन्ट्रैक्ट नोट से वेरीफाई कर लेना कि परचेज सेल प्राइस सही है नहीं। नॉर्मल मेथड्स ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, फिजिकल वेरिफिकेशन जो यूजुअल रहते हैं वही बस पब्लिक डेट ऑफिस ऑफ आरबीआई फॉर इन्वेस्टमेंट्स विद आरबीआई होगा, थर्ड पार्टी के पास है तो कंफर्मेशन ले लीजिए, ट्रांसफर डीड अंडरटेकिंग्स देख लीजिए अगर आपने इस साल कोई खरीदा है नया, तो टाइटल डीड्स आपके बुक्स में आ रही है या नहीं आ रही है, या ट्रांसफर डीड्स इन केस ऑफ फिजिकल शेयर्स है या नहीं। वैल्यूएशन मेथड ऑफ अकाउंटिंग प्रॉपर क्लासिफिकेशन आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल टीडीएस वगैरह है तो चेक कर लीजिए, सब नॉर्मल है जो कोई भी एंटिटी में होगा इसमें होगा, एक बार सुन लिया पढ़ लिया एग्जाम में आएगा तो आप एटलीस्ट लिख के आ पाओगे। ध्यान रखना कि अगर कोई बैंक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस देती है तो उसमें फिर क्लाइंट का पैसा वो इन्वेस्ट करती है ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट,
ऑब्वियसली बात है, फिर ये इन्वेस्टमेंट क्लाइंट के होंगे, इज इज दैट बैंक इज मैनेजिंग इट। इसके लिए सबसे पहले आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा आरबीआई से भी कि हम पीएमएस सर्विसेज देंगे, और कस्टमर से भी कि हम आपके पैसे को मैनेज करेंगे। और इससे आपकी जो इनकम होगी वो कमीशन इनकम होगी, अलग रिकॉर्ड होगी, और इसकी पूरी बुक सेपरेट मेंटेन होगी, आपकी इन्वेस्टमेंट अलग और पीएमएस क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट अलग मेंटेन होना चाहिए। चलिए, स्पेशल पर्पज सर्टिफिकेट रिलेटिंग टू इन्वेस्टमेंट्स, पीएमएस क्लाइंट के आप अलग करिए, खुद के इन्वेस्टमेंट अलग करिए, और किसी और के बिहाफ पे, जैसे कि पेरेंट ने सब्सिडी के बिहाफ पे इन्वेस्ट किया क्योंकि सब्सिडी नहीं कर सकती थी वो इन्वेस्ट, तो ये तीन कैटेगरी में आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बुक्स अलग अलग होना चाहिए। एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है कि पीएमएस इन्वेस्टमेंट्स का अलग से ऑडिट होता है और एक्सटर्नल ऑडिटर को उसके ऊपर एक अलग से रिपोर्ट देना पड़ती है। कुड बी एन एमसीक्यू आस्क्ड ऑन दिस। देन बैंक्स में जैसा कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आपका इंडेक्स है वैसी अकाउंटिंग होती है, यहाँ पे हेल्ड टू मैच्योरिटी, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, इस तरह से क्लासिफिकेशन होता है इन्वेस्टमेंट्स का। तो नॉर्मली एसीएम मेथड यूज होता है, जो आप मैच्योरिटी तक इन्वेस्टमेंट होल्ड करोगे, तो आपने किसी के बॉन्ड खरीदे, आरबीआई के बॉन्ड्स खरीदे, डिबेंचर खरीदे, जो आप मैच्योरिटी तक होल्ड करोगे तो एसीएम मेथड लगता है, कॉस्ट पे कैरी होता है। लेकिन अगर आपका ऐसा है कि भाई आप ट्रेड करोगे 90 दिन के अंदर अंदर बेच दोगे, तो यहाँ पे भी एफईटीपीएल यूज होता है। आपका इंटेंशन है कि आप ट्रेड भी कर सकते हो, होल्ड भी कर सकते हो, तो जो एफईओसीआई लगता था इसे एएफएस कहते हैं, अवेलेबल फॉर सेल कैटेगरी में वैल्यूएशन। हालांकि एग्जैक्ट सेम वैसे प्रिंसिपल्स नहीं होते, बट कैटेगराइजेशन इस तरह से किया जाता है। तो आपको क्लासिफिकेशन और शिफ्टिंग देखना है। हाफ ईयरली रिव्यू होता है क्योंकि हाफ ईयर में पीएनएल आपका क्लोज होता है। एंड देन ये हो गया आपका सब कुछ विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट्स। अब अपन ने जो लोन दिया है उसे बोलते हैं एडवांस। एडवांस में हमारी अप्रोच क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले बैलेंस शीट में जो भी एडवांसेस आ रहे हैं हमको देखना है कि भैया हमारा सही में उसके ऊपर अधिकार है या नहीं, उतना लोन हमने दे रखा है या नहीं। तो इट शुड रिप्रेजेंट अमाउंट ड्यू टू बैंक। दिस इज द बेसिक लॉजिक अप्रोच फॉर चेकिंग एडवांस। एंड वी शुड हैव सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव कि हमने ये पैसा दिया है, उसके अगेंस्ट में ये सिक्योरिटी है। कोई भी एडवांस आपने दिया है तो बुक्स में आना चाहिए, ऐसा ना हो कि मिस हो जाए, रिकॉर्ड होने से रह जाए। साथ ही साथ में एडवांसेस के डिस्क्लोजर विद क्लासिफिकेशन, प्रायोरिटी सेक्टर को, सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को, कितना दिया इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया कितना दिया, ऐसे सेक्टर वाइज डिस्क्लोजर्स बहुत सारे आपको दे। एडवांस जो भी दिया उसके ऊपर प्रूडेंशियल नॉर्म्स होते हैं जो बताते हैं कब उसे स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल या लॉस क्लासिफाई करेंगे और अकॉर्डिंगली कितना प्रोविजन बनाएंगे, तो प्रोविजनिंग प्रॉपर है। ये अप्रोच है अगर आपको क्वेश्चन आता है, अप्रोच टू चेकिंग ऑफ एडवांस। तो जब भी कोई क्वेश्चन अप्रोच का आता है ना, तो उसमें बेसिक लॉजिक, कैश इन बैंक में अप्रोच एक्जिस्टेंस और कंप्लीटनेस चेक करना, एडवांस में अप्रोच है कि भैया जो आ रहे हैं वो हमारा राइट है या नहीं है, हमारी ओनरशिप है या नहीं है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है या नहीं है, ये चेक करना। अब एडवांस भी चेक करोगे तो सबसे पहले उसके इंटरनल कंट्रोल चेक करोगे। तो पहले अपन ने पढ़ा था लोन्स एंड एडवांस के इंटरनल कंट्रोल। अगर क्वेश्चन आता है इंटरनल कंट्रोल लोन्स एंड एडवांस तो वो लिखना। क्वेश्चन आता है हाउ विल यू ऑडिट इंटरनल कंट्रोल्स ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस, तो ये जो अपन पढ़ रहे हैं ये लिखना है। सबसे पहले हम देखेंगे भैया कोई भी लोन देने से पहले क्रेडिट अप्रेजल हो रहा है, अथॉरिटी सैंक्शन कर रही है, सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं, पैसा किस पर्पज के लिए लिया जा रहा है, उसी पर्पज के लिए यूज हो रहा है, मशीन खरीदने के लिए तो डायरेक्ट सप्लायर को पैसा दो, सिक्योरिटी के अगेंस्ट में लोन दे रहे हैं तो सिक्योरिटी का टाइटल डीड हमारे नाम पर रजिस्टर्ड है, हमारे पास सारे राइट्स आ गए हैं कि कल दिन जरूरत पड़े तो हम अटैच कर पाएंगे, अमाउंट वगैरह सारे सही है और ऑपरेशन सही हो रहे हैं और हम उसको रिव्यू। सब्सटेंसिव ऑडिट प्रोसीजर्स क्या लगाएंगे? तो सबसे पहले कंप्यूटर में मास्टर डेटा, इसने लोन लिया है क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया है, वो फीड हो जाए। एक कस्टमर के जितने लोन है वो सब एक कस्टमर आईडी में टैग होना चाहिए, क्योंकि एक भी एनपीओ होगा तो सारे एनपीओ हो जाते हैं। बड़े एडवांसेस सैंपल बेसिस पे आप सारे वेरीफाई कर लीजिए, जिनमें प्रॉब्लम आई है अकाउंट्स में, जो अभी एनपीए नहीं हुए पर हो सकते हैं, लेट्स से 70 दिन से ज्यादा ओवरड्यू हो गए, उन पर ध्यान दीजिए। ऐसे एडवांसेस जो इशू होने के 12 महीने में, अर्ली मोर्टालिटी एडवांस, ऐसे एडवांसेस जिनके ऊपर इंटरनल ऑडिटर, कॉन्करेंट ऑडिटर, आरबीआई ने एडवर्स कमेंट दिया, इन एडवांसेस को, जो अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर रीस्ट्रक्चर हुए, इन सब एडवांसेस को ज्यादा ध्यान से आप सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स लगा के चेक करें और इंटरेस्ट चेक। एग्जाम में क्वेश्चन आया तो ध्यान नहीं रहेगा, ये सब लिखना, इसलिए ध्यान रखना। सब्सटेंसिव प्रोसीजर और एडवांसेस में ये स्पेशल पॉइंट्स आपको कोट करना पड़ेगा। देन हमें देखना है ये एडवांसेस अपन ने दिए तो पैसा अपने को मिल रहा है या नहीं, तो पीरियडिक स्टेटमेंट बॉरोअर्स हम वेरीफाई करेंगे, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट मंगाएंगे, अकाउंट को रिव्यू करेंगे, सिक्योरिटी की वेरिफिकेशन करेंगे कि उसकी वर्थ है या नहीं है, और बेस्ड ऑन दैट वी विल चेक रिकवरेबिलिटी है या नहीं। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट एडवांस दिया है तो देखो सबसे पहले पॉलिसी रजिस्टर्ड विद द इंश्योरर होना चाहिए, उसमें एंडोर्स्ड होना चाहिए बैंक के फेवर में, जो उसकी सरेंडर वैल्यू इससे ज्यादा पैसा नहीं देना है, और सिक्योरिटी इनफोर्स होना चाहिए, उसका प्रीमियम कम पे किया जा रहा है। प्रोविजन, कोई भी एडवांस नॉन परफॉर्मिंग अगर क्लासिफाई हुआ वो सब आपने इंटर में पढ़ा था, आपको प्रोविजन बनाना है। तो सबसे पहले आपको एक सिस्टम होना चाहिए इन योर बैंकिंग सिस्टम और योर कैश बैंकिंग सिस्टम, सेंट्रलाइज बैंकिंग सिस्टम, कि आप आइडेंटिफाई कर सके कि कौन सा एडवांस एनपी हो गया। ब्रांच आइडेंटिफाई करेगी अपने लेवल पे, और उसका सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड पोर्शन अलग अलग निकालना पड़ता है, क्योंकि डाउटफुल के बाद से अनसिक्योर्ड पोर्शन पे प्रोविजनिंग चेंज हो जाती है, रेट चेंज हो जाता है, और कंपेयर करना है आपको एनपीए में लोन अकाउंट है और उसके कोई रीजंस फॉर चेंज हैं क्या, एज इन कोई खाता इस साल एनपीए हुआ है, एनपीए से अपग्रेड होकर पीए हो गया, परफॉर्मिंग असेट तो क्यों हुआ। ड्रॉइंग पावर होता है नॉर्मली, ये वर्किंग कैपिटल लिमिट्स में होता है, सैंक्शन लिमिट होती है कि भाई आपको 5 करोड़ का लोन सैंक्शन किया है फॉर बाइंग स्टॉक, और आपका एक 20% मार्जिन है, तो लेट्स से कि आपका अगर स्टॉक 7 करोड़ है तो आप 5 करोड़ तक का लोन ले सकते हो, पर अगर आपका स्टॉक लेट्स से 4 करोड़ हो गया तो 20% मार्जिन काट के आप 3.2 करोड़ ही लोन विड्रॉ कर पाओगे। तो हर महीने आप स्टॉक स्टेटमेंट दो या क्वार्टरली दो, उसके बेसिस पे अगले महीने अगले क्वार्टर के लिए आप कितना पैसा विड्रॉ विद इन द सैंक्शन लिमिट कर सकते हो बताया जाए। तो सैंक्शन लिमिट एक टोटल मैक्सिमम आउटफ्लो हो गया जितना हम दे सकते हैं, और ड्रॉइंग पावर उसमें से हर महीने हर क्वार्टर में आप कितना निकाल सकते हो डिपेंडिंग आपका स्टॉक कितना है, क्योंकि वो चेंज होते रहता है, तो आपका डीपी चेंज हो। तो डीपी के कैलकुलेशंस आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गाइडलाइन फॉर्म करें। नॉर्मली गाइडलाइन क्या होती है, टोटल स्टॉक लाइंग जिसके अगेंस्ट में हम
वर्किंग कैपिटल लोन दे रहे हैं, माइनस क्रेडिटर, कोई अगर आपने उधारी में माल खरीदा है, माइनस मार्जिन मनी, उसके ऊपर जो बचा है उसके ऊपर फिर हम क्या करते हैं, लोन देते हैं। तो आप देख लीजिए कि जो गाइडलाइन फॉर्मुलेट की गई है फॉलो की गई है। स्पेशल कंसिडरेशन फॉर क्रेडिटर्स एंड स्टॉक कवर्ड अंडर एलसी गारंटी, क्योंकि आप समझिए कंपनी के पास 2 करोड़ का स्टॉक है जिसमें से 1 करोड़ उधारी पे खरीदा, तो उस पर लोन क्यों चाहिए, तो वो ध्यान रखिए। साल में कम से कम एक बार या पीरियडिकली स्टॉक ऑडिट कराए कि जो बता रहा है वो इतना स्टॉक स्टेटमेंट होता है भी या नहीं। आजकल कारों की रिपोर्ट में भी ऑडिटर ये कमेंट करता है किसका, बॉरोअर का, पर मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बैंक के बात कर रहे हैं। तो बैंक के ऑडिटर नॉर्मली बैंक एक स्टॉक ऑडिट कराती है विच इज लाइक एन इंटरनल ऑडिट, जिसमें बॉरोअर के पास भेजी और बल्कि उसका स्टॉक चेक करो और देखो कि जो उसने हमें रिपोर्ट किया उससे मैच हो रहा है या नहीं। बुक डेट्स का भी हो सकता है, नॉर्मली ये स्टॉक या बुक डेट्स के अगेंस्ट में दी जाती है, तो वेरीफाई करना पड़ेगा, इससे डीपी निकाला जाएगा। लिमिट साल में कम से कम एक बार रिव्यू करना होती है, कई बार हो सकता है रिव्यू नहीं हुआ तो फिर एडॉक लिमिट सैंक्शन कर दी जाती है, विच शुड नॉट बी मोर देन 90 डेज। 90 दिन से ज्यादा अगर आपने रिव्यू नहीं किया तो खाता ओवरड्यू होगा और फिर उसके 90 दिन बाद वो एनपी हो जाता है। तो इसलिए बोलते हैं कि 180 दिन फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ रिव्यू। तो नॉर्मली एक सीसी लिमिट या वर्किंग कैपिटल लिमिट साल भर के लिए दी जाती है, साल भर बाद आप उसको रिव्यू करो, विदिन 3 मंथ्स नहीं किया तो उसके 3 महीने बाद एनपी हो जाएगा, यानी कि रिव्यू की ड्यू डेट से 180 डेज बाद खाता एनपीए हो जाएगा। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड एडवांस है तो उसे आप एनपीए क्लासिफाई नहीं करोगे, स्टेट गवर्नमेंट गारंटीड एडवांस है तो नॉर्मल क्लासिफिकेशन होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड एडवांस में अगर रीपे नहीं हुआ है तो आप गारंटी इन्वोक करके सरकार को लोगे पैसे, तो अगर गवर्नमेंट ने गारंटी कैंसिल कर दी है कहकर कि आपने कोई टर्म्स एंड कंडीशन का पालन नहीं किया इसलिए हमारी गारंटी खारिज, तो फिर यह नॉर्मल अकाउंट हो गया, एनपीए हो सकता है, अदरवाइज एनपीए नहीं होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड एडवांस एनपीए नहीं होने के कारण प्रोविजन फॉर बैड डेट नहीं बनता, हालांकि इनकम कैश बेसिस पर रिकॉर्ड होती है, वी विल टॉक अबाउट दैट अ लिटिल लेटर। एग्रीकल्चर एडवांस पे 90 डेज वाला रूल नहीं लगता है, ये एक्सेप्शन में कवर होता है। इसमें क्रॉप ड्यूरेशन का रूल लगता है, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप जो साल में एक से ज्यादा बार जिसकी फसल आती है उनमें 2 क्रॉप सीजन तक पैसा नहीं आया तो एनपीए। अदर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप होते हैं जिनमें साल में एक या उससे कम सीजन होती है उनमें 1 और क्रॉप सीजन तक पैसा नहीं आया तो खाता एनपीए होता है। तो गेहूं की साल में 6 महीने एक बार फसल आती है पर अगले 6 महीने में फिर गेहूं नहीं लगता है, तो साल में एक ही बार गेहूं की फसल आएगी तो वो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है। इस साल आपने गेहूं के लिए लोन लिया नहीं रिपे कर पाए तो अगले साल गेहूं की सीजन खत्म होने तक भी रिपे नहीं कर पाओगे तो खाता एनपीए होगा, 90 डेज वाला रूल नहीं लगता है। स्टैंडर्ड असेट्स पे भी प्रोविजन बनता है डिपेंडिंग ऑन अलग अलग कैटेगरी सेक्टर किस पे कितना दिया है, पर वहाँ पे 0.40 या अलग अलग परसेंटेज से आपको बनाना। अगर कोई खाता एनपीए हो गया है तो उसे अपग्रेड आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार ही किया जाएगा। देख लीजिए इनकरेक्ट अपग्रेडेशन तो नहीं हुआ है, पार्शियल रिकवरीज वगैरह के बेसिस पे नहीं होना चाहिए। बैलेंस शीट डेट के बाद रिकवरी हुई है तो अगले साल एनपीए से पीए क्लासिफाई होगा, इस साल क्लासिफाई नहीं कर सकता। क्या कंपनी अपने नॉन परफॉर्मिंग असेट को बेच सकती है? जेटली साहब ने यह नाम किया था कि अगर आप रिकवर नहीं कर पा रहे हो सकता है दूसरी बैंक को लगे वो रिकवर कर लेगी, तो आप अपना एनपीए बेच सकते हो। कुछ कंडीशन है, कम से कम 2 साल से वो आपकी बुक्स में एनपीए, आप उसे नॉन रिकोर्स बेसिस पे बेचोगे यानी कि विदाउट एनी रिस्क फॉर बैड डेट्स, सामने वाले का फिर रिस्क होना चाहिए बैड डेट्स, कैश में बेचोगे पैसा पूरा कैश में आना, जब तक पैसा आएगा नहीं तब तक आप उसे अपनी बुक्स में एनपीए और उस पर प्रोविजन बनाते रहोगे, पैसा आने के बाद ही आप उसे राइट ऑफ करो। किसी भी केस में बेचा हुआ एनपीए वापस से खरीदोगे, ये कुछ कंडीशन फुलफिल करके आप क्या कर सकते हैं, यू कैन बेसिकली सेल एनपीए। जब आप सेल करोगे तो अकाउंटिंग की होगी, बुक से हटा दीजिएगा उसे, हो सकता है कि जो कैरिंग अमाउंट है आपका उससे ज्यादा पैसा आपको मिला है तो एक्सेस को पीओरएल में मत डालना, दूसरे एनपीए के प्रोविजन में काम में लेना। कम पैसा मिला है तो जो भी कम मिला है उसे पीआरएल में डेबिट कर दीजिए। ध्यान रखिएगा कि जिसने एनपीए खरीदा है हो सकता है उस पर प्रोविजनिंग थोड़ी नॉर्मल से ज्यादा होती हो, उसकी रिकवरी अगर कुछ भी आती है तो पहले नॉर्मली अकाउंटिंग पॉलिसी बैंक को दी जाती है कि कोई भी अगर आपके खाते में रिकवरी आ रही है तो पहले आप क्या मानोगे, ब्याज रिकवर हुआ या प्रिंसिपल। नॉर्मली हर बैंक मानती है कि पहले इंटरेस्ट रिकवर हो रहा है फिर प्रिंसिपल, बट एनपीए के केस में हमेशा पहले ये मानना पड़ेगा कि कॉस्ट रिकवर हो रही है और फिर उसके बाद आप इनकम बुक कर पाओगे। एनपीए जो खरीदता है उसकी बुक्स में वो जो एडवांस होते हैं उसमें कैपिटल रिस्क एडिक्वेसी रेशियो में उसको हायर रिस्क दिया जाता है। रीस्ट्रक्चरिंग मतलब किसी को लोन दिया रिपे नहीं कर पा रहे समय पे, तो वो आता है और बोलता है यार इसे रीस्ट्रक्चर करके मुझे आप एक काम करिए थोड़ा सा ब्याज कम कर दो, थोड़ा समय ज्यादा दे दो, ऐसा कुछ। रीस्ट्रक्चरिंग के केस में खाता अगर स्टैंडर्ड है तो सब स्टैंडर्ड हो जाएगा, एनपीए तो एनपीए ही रहेगा, अपग्रेड नहीं कर सकते आप। एक्सेप्शनल केस होते हैं जैसे कि ड्रॉट के कारण रीस्ट्रक्चरिंग एग्री एडवांस में होती है तो फिर वो स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड ही रहता है, उसको सब स्टैंडर्ड क्लासिफाई नहीं करते, आरबीआई स्पेसिफाई करते, बट नॉर्मली रीस्ट्रक्चरिंग हुई तो खाता एनपीए हो गया। तो ये रिक्वेस्ट पे लेंडर करेगा, रीस्ट्रक्चर्ड अकाउंट एनपीए क्लासिफाई हो जाएंगे, आरबीआई की सर्कुलर का पालन करना पड़ेगा। एनपीए खाते और पीए खाते, पीए यानी स्टैंडर्ड और बाकी सब ये जो सब स्टैंडर्ड डाउटफुल और लॉस होते हैं इनको एनपीए बोलते हैं, लॉस असेट की रिस्ट्रक्चरिंग नहीं होती है, एप्लीकेशन मिलेगी तो आप करोगे एंड खाता एनपीए रहेगा। कई बार बैंक एनपीए से बचने के लिए बैलेंस शीट डेट के आसपास खाते में पैसा जमा करवा देती है, मालूम पड़ता है वो पैसा बैंक ने एक नया लोन देकर जमा करवा लिया, तो इसके लिए ध्यान रखिए कि ऐसा कुछ हुआ है तो ऑडिटर की जिम्मेदारी है चेक करना कि जेन्युइन सोर्सेज से पैसा बैंक के खातों में आया है और खाता एनपीए नहीं हुआ है। कोई खाते में टेम्परेरी डेफिशिएंसी है जैसे उसने रिव्यू कराना है साल में एक बार, उसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट नहीं किया, ऑडिटेड या स्टॉक स्टेटमेंट नहीं दिए, तो ऐसे केस में खाता एनपीए नॉर्मली क्लासिफाई नहीं होगा जब तक 180 दिन से ऊपर वो ओवरड्यू ना, तो 3 महीने तक का ग्रेस पीरियड है उसके 3 महीने बाद एनपीए होता है। आपको मालूम होना चाहिए एनपीए क्लासिफिकेशन हैपेंस व्हेन एन अकाउंट इज ओवरड्यू और आउट ऑफ ऑर्डर फॉर मोर देन 90 डेज। कोई खाता एनपीए हुआ एक अकाउंट बोरोवर का तो उसके सारे खाते एनपीए हो जाएंगे, इसके लिए कुछ एक्सेप्शन होते हैं, दैट्स ओके। दिस इज ऑल अबाउट योर एडवांस, इसमें कुछ और स्पेशल इशूज है आगे, एनपीए की अकाउंटिंग वगैरह कैसे होती है, दैट इज समथिंग विच वी कैन डिस्कस। सो एनपीए के केस में अकाउंटिंग कैसे होती है, व्हाट थिंग्स विल हैव टू कीप इन माइंड, ओके सो वेरी क्विकली आई जस्ट काइंड ऑफ टेल यू दैट। फर्स्ट, कोई भी खाता अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्लासिफाई हो गया है तो सबसे पहले आप उस पर इनकम कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करना शुरू कर दीजिए।
इसका मतलब उसमें किसी प्रकार की कोई इनकम रिकग्निशन तब तक नहीं होगी जब तक पैसा ना आ जाए। अगर आप ऑलरेडी एनपी होने से पहले कोई इनकम बुक कर चुकी है जो रियलाइज नहीं हुई है तो आप उसे रिवर्स कर दीजिए, ये कंपलसरी। प्लस आपको प्रोविजन बनाना पड़ेगा डिपेंडिंग वो सब स्टैंडर्ड है पहले साल में, फिर वो डाउटफुल होता है डी वन डी टू डी थ्री और फिर लॉस होता है। ये प्रोविजन डिपेंड करेगा सिक्योरिटी कितनी है उसमें, कितना सिक्योर अमाउंट है, कितना अनसिक्योर्ड है, इन सब चीज वो सब रेट्स वगैरह हमें पढ़ने नहीं है यहाँ पे, बट आपको अकॉर्डिंगली प्रोविजन पड़ेगा। जब तक उस पर पूरा पैसा जो ड्यू है वो वापस ना आए उसके बाद उसे आप रेगुलर में अपग्रेड करेंगे। अगर रिस्ट्रक्चर किया है तो एक साल तक उसे अपग्रेड नहीं कर सकते, एक साल तक वो रेगुलर रहेगा, उसके अगले साल से उसे अपग्रेड करके परफॉर्मिंग एसेट क्लासिफाई किया जा सकता है। नॉर्मली एनपीए में आपको ध्यान क्या रखना है, कुछ बातें। पहला खाता एनपीए होगा तो इनकम कैश बेसिस पे आगे रिकॉर्ड होगी। दूसरा प्रोविजन फॉर बैड डेट बनेगा। तीसरा रिवर्सल ऑफ इनकम होगा, जो अक्रूड इनकम अभी तक बुक हो गई है रिकवर नहीं हुई उसको रिवर्स करना पड़ेगा। खाता एनपीए कब होता है, जब वो 90 दिन से ज्यादा ओवरड्यू हो जाए। इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहां पे ये रूल नहीं लगता है, जैसे कि एग्रीकल्चर एडवांसेस। तो एग्री एडवांसेस के केस में क्रॉप सीजन चलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटीड एडवांस है तो वहां पे उसको आप एनपीए क्लासिफाई नहीं करोगे। हालांकि वहां इनकम कैश बेसिस पे रिकॉर्ड देना शुरू हो जाएगी, बट प्रोविजन बनाने की जरूरत। टेंपरेरी डेफिशिएंसी है तो फिर उसमें 180 दिन के बाद एनपीए होता है, ना कि 90 दिन के बाद में। नेचुरल कैलामिटी के कारण मैंने बताया, हो सकता है आरबीआई एनपीए क्लासिफाई करने से अकाउंट को मना करते, और ऑन लेंडिंग अरेंजमेंट्स में कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। टर्म लोन कब एनपीए होता है, जब ओवरड्यू हो जाए मोर देन 90 डेज। सीसीओडी जब आउट ऑफ ऑर्डर हो जाए फॉर मोर देन 90 डेज। आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है कि या तो उसमें जो ड्रॉइंग पावर सेट की उससे ज्यादा उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 90 दिन से ज्यादा, या उसमें जो ब्याज लगा है उतना अमाउंट जमा ही नहीं हुआ 90 दिन से ऊपर। इन दो केस में आउट ऑफ ऑर्डर होता है, खाता एनपीए हो जाता है। बिल परचेज ड्यू डेट पे पैसा नहीं आया तो ओवरड्यू हो गया 90 दिन से ज्यादा, खत्म। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप दो क्रॉप सीजन के बाद, लॉन्ग ड्यूरेशन एक क्रॉप के। सिक्योरिटाइजेशन का ट्रांजैक्शन या कोई भी ऐसे ट्रांजैक्शन है तो लोन दिया आपने 90 दिन के ऊपर। डेरिवेटिव में भी आपने पैसा आना था नहीं आया, 90 दिन के ऊपर हो गया, उसके बाद खाता। So this is all about your NPA, very brief discussion which is there in your syllabus now, how much detail intermediate mein aapke syllabus mein hota tha. Chale. Then fixed asset, very very basic, jo direct provisions hote hain wahi laga denge, register maintain hona chahiye, branch order check karega, record check karega, depri lagaya ya nahi, internal control jo normal hote hain wahi, premises mein opening verification, title deeds apne naam pe hai ya nahi, becha hai to uspe capitalization of expenditure. अगर फिक्स एसेट मूवेबल है तो आप कैसे रिकॉर्ड कर रहे हो, मूवमेंट कंट्रोल कैसे कर रहे हो, फिजिकल वेरिफिकेशन। ट्रांसफर हुआ है तो आप देख लीजिए तब तक का डिप्री लगाया या नहीं, गेन लॉस कैसे बुक किया। इंटेंजिबल एसेट से एस 26 लगेगा, सब जगह एस का रेफरेंस देना। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अगर कोई है तो वो सीडब्ल्यूआईपी दिखेगा फिक्स एसेट में शो। सेल होगा तो सेल डीड से वेरीफाई कर लीजिए, प्रॉफिट और लॉस प्रॉपर अकाउंटिंग। लीज एसेट में आप लीज डीड चेक कर लीजिए, एस 19 लगेगा यहाँ पे। कोई इंपेयरमेंट है तो एस 28 एप्लीकेबल। इसके अलावा एसेट्स लायबिलिटी में अदर इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं, विच कुड बी लाइक ब्रांच के बीच में आपस में कोई बैलेंसेस है, वो इंदौर ब्रांच ने डीडी लिया, डीडी ब्रांच दिल्ली ब्रांच को क्रेडिट किया। लेकिन सही होगा ईयर एंड पे स्टेटस देखना है, कोई बहुत ज्यादा पुरानी आउटस्टैंडिंग एंट्री नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिपेंसी है तो आप देखिए कैसे बुक्स में। इंटरेस्ट बैंक हो सकता है चार्ज 29 मार्च को ही कर दें, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि 31 मार्च पे दे डोंट वांट टू ओवरबर्डन थिंग्स। ऐसी सिचुएशन में भी आपको बचे हुए जो 2-3 दिन का ब्याज है वो बुक तो करना पड़ेगा, तो 31 मार्च तक इंटरेस्ट अप्रूव किया जाएगा। टीडीएस वगैरह काटना जरूरी होता है, आपने देखा होगा बैंक में रिक्वायरमेंट होती है एफडी पे इतने ज्यादा इंटरेस्ट हुआ तो टीडीएस कटेगा, सेविंग बैंक पर इंटरेस्ट नहीं करते, तो उसके कंप्लायंसेस। बैंक की डीडी बुक्स, चेक बुक्स, ये सब स्टेशनरी स्टैंप पे कंट्रोल होता है, ये सारा खर्चा पीओएल में डेबिट होता है। फिजिकल वेरिफिकेशन होएगा, कस्टडी कंट्रोल में होना चाहिए, ध्यान रखना है कि इसमें कहीं कोई किसी प्रकार का लीकेज। नॉन बैंकिंग एसेट्स एक्वायर्ड इन सैटिस्फैक्शन ऑफ क्लेम, मैंने किसी को लोन दिया उसकी जमीन गिरवी रखे और उसने पैसा नहीं दिया तो उसको मैंने एक्वायर कर लिया, एक्वायर करने के बाद मैं कुछ समय तक उसे होल्ड करूंगा फिर मुझे बेचना होगा, तो मुझे चेक करना है कि क्या मैक्सिमम समय अलाउड है, उससे ज्यादा तो मैं होल्ड नहीं करूँ। इसे भूल के भी आप फिक्स एसेट में मत डाल देना, इसे अलग से हेड बनाया जाता है नॉन बैंकिंग एसेट एक्वायर्ड इन सैटिस्फैक्शन ऑफ क्लेम, उस हेड में शो किया। इंश्योर डेट ऑफ एक्विजिशन पे इसे जो आपने एसेट के अगेंस्ट में इसे एक्वायर किया उसका कैरिंग अमाउंट या इसकी जो आपकी फेयर वैल्यू दोनों में जो भी कम है उस पर वैल्यू किया। इसके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से वेरीफाई करेगा इसकी ओनरशिप लीगली बैंक में वेस्ट हुई या नहीं, वो प्रोसेस होता है फॉलो करके, वो किया या नहीं वो चेक करना पड़ेगा। स्टाफ को नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग एडवांस दिया एज पर द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से देख लीजिए। कोई सिक्योरिटी लिए तो वो देख लीजिए, देख लीजिए एम्प्लॉई छोड़ के तो नहीं चले गया। ऑफिशियल्स और रिलेटिव को दिया तो हो सकता है उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शेयर होल्डर के अप्रूवल लगे। सस्पेंस अकाउंट कोई भी पेंडिंग है, नॉर्मली कोई एडवांस वगैरह कोई पैसा मिला उसका डिटेल नहीं मिला है तो मैनेजमेंट से पता करिए और रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लीजिए, ऐसा क्यों है। कोई भी ओल्ड या बड़ा आउटस्टैंडिंग बैलेंस नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट अकाउंट की कोई भी मिसलेनियस अगर बैलेंसेज हैं और गवर्नमेंट से पैसा लेना देना बाकी है तो एजिंग स्टेटमेंट देख लो, बहुत पुराना तो नहीं है, है तो क्या रिकवर होगा भी या नहीं, क्या ये क्लेम फॉर रिइंबर्समेंट वगैरह है तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार आपने रेज किया था और पैसा नहीं मिला है, नहीं मिलने वाला अगर लग रहा है तो फिर इसे राइट ऑफ कर दीजिए। ऑल दिस इज अबाउट असेट्स एंड कैपिटल और लाइबिलिटी। असेट्स का हो गया ये पूरा, कैपिटल लाइबिलिटी साइड पर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आपको चेक करना होता है तो एवरी बैंक हैज टू मेंटेन अ मिनिमम 9% कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, नेशनलाइज्ड बैंक के लिए 8% भी हो सकता है, वो आप चेक कर लीजिए मेंटेन हुआ या नहीं हुआ। कॉर्पोरेट कंपोनेंट्स क्या होते हैं तो उसमें कैपिटल फंड्स टीयर 1 और 2 में डिफाइन होते हैं और डिनोमिनेटर में रिस्क्वेटेड असेट्स आता है, वो कैसे निकालना है वो चेक करने की जरूरत नहीं। बेसल 3 के नॉर्म्स फॉलो किए जाते हैं आज की तारीख में, दीज आर ग्लोबल रेगुलेटरी नॉर्म्स, इंश्योर करते हैं कि कंपनी का कैपिटल एडिक्वेट रहे। स्ट्रेस टेस्ट होता है इसमें कि भाई एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कि एकदम से खूब सारे लोग पैसे निकालने आ गए या बहुत सारी बैड डेट हो गई तो क्या हमारे पास पर्याप्त कैपिटल होगा कि हम सर्वाइव कर पाएंगे, हमारे पास सफिशियंट बफर है कि एक्सट्रीम सिनेरियो में भी हम काम कर पाएंगे, ये बेसिकली ये इंश्योर करता है। तो ये कैसे इंश्योर करता है, बोलता है कि भैया आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आप 100 रुपये का लोन दे रहे हो तो कम से कम 8 रुपये आपकी कैपिटल होना चाहिए।
तो इससे इंश्योर क्या कर रहे हैं कि आप रेकलेस लेंडिंग नहीं कर सकते कि जनता से ही पैसा लिया और जनता को पैसा देते गए, हर जनता से लिए गए पैसे पे कुछ पैसा खुद का भी इन्वॉल्व होगा तब जाके आप उसको आगे लेंड कर पाओगे। तो इस तरह से ये इंश्योर करते हैं कि भाई कैपिटल हमेशा एडिक्वेट बिजनेस में रहे। अच्छा, ग्लोबल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड बेसल थ्री फ्रेमवर्क जो है, कैपिटल एडिक्वेसी रिक्वायरमेंट होती है डिपॉजिटर शेयर होल्डर के प्रोटेक्शन के लिए, रिस्क सुपरविजन एंड रिस्क मैनेजमेंट के लिए। इसके अंतर्गत हम श्योर करेंगे कि कोई भी स्ट्रेस आएगा तो हम उसे एब्जॉर्ब कर पाएंगे, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट हो और बैंक में ट्रांसपेरेंसी और डिस्क्लोजर नॉर्म्स का कंप्लायंस हो। ये इंपॉर्टेंट ऑडिट अप्रोच क्या है, आप कैपिटल चेक कर लीजिए, चेंजेस इन कैपिटल देख लीजिए और ऑथराइज कैपिटल आपके एमओए होए के अनुसार है या रिजर्व एंड सरप्लस यूजुअल प्रोसीजर्स जो होते हैं वो देख लीजिए। डिपॉजिट्स के केस में आप देख लीजिए, डिपॉजिट नॉर्मली डिमांड या फिक्स होते हैं। इसमें आपको करंट और सेविंग अकाउंट होते हैं नॉर्मली डिमांड, और टर्म डिपॉजिट्स में रिकरिंग या फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं। उसमें आपको देखना है कितना सम रिकरिंग में आ रहा है, क्या डिटरमाइंड पीरियड है, मैच्योरिटी पे क्या होता है कि अपन उसको पैसा डिमांड डिपॉजिट में डाल देते हैं, रिन्यू कर देते हैं। कोई फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट का डिपॉजिट है तो उसमें फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस भी आपको चेक करना पड़ेंगे। नॉर्मली कई सारी ब्रांचेस में आपको देखने को मिलेगा। करंट सेविंग अकाउंट में क्या चेक करोगे, जितने अकाउंट साल में ओपन हुए उसमें सबसे पहले केवाईसी देखना होता है कि भाई कोई इलीगल पैसा तो नहीं आ रहा है। सेकंड, क्लोजिंग बैलेंसेस देख लीजिए, इंटर सैम्पल बेसिस पे वेरीफाई कर लो, बैलेंस कंफर्मेशन ले सकते हो आप। डेबिट बैलेंस ध्यान रखना, अगर कोई भी करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस आ गया तो वो ओवरड्राफ्ट उसे एडवांस मानते हैं, तो उसे नेगेटिव बैलेंस ऑफ डिमांड डिपॉजिट नहीं मानेंगे, इनफैक्ट एडवांस मानेंगे। और कोई भी खाते क्लोज में साल इन ऑपरेटिव हुए तो देख लीजिए, उसको चेक कर लीजिए, क्योंकि इनमें गड़बड़ हो सकती है, हो सकता है कहीं दो नंबर का पैसा किसी ने जमा कर दिया और खाता अब ऑपरेटिव नहीं हो रहा है, तो उस सेंस में आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। टर्म डिपॉजिट चेक कर लीजिए, बल्क डिपॉजिट्स अगर होते हैं तो उसमें इंटरेस्ट रेट थोड़े अलग होते हैं तो वो वेरीफाई कर लीजिए डिफरेंट है या नहीं है। जल्दी हुआ है तो क्या पेनल्टी लगाई है या नहीं, होता है ना, अपने तीन साल की एफडी की और एक साल में तोड़ दी तो आपको एक साल का ब्याज से भी कम ब्याज दिया जाएगा तो उसे पेनल्टी बोलते हैं, तो वो एडजस्टमेंट देख लीजिए। कुछ रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ड्यूरिंग द ईयर ओपन है वो देख लीजिए, टर्म डिपॉजिट्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट वेरीफाई कर लीजिए जो पब्लिश रेट है उसके अनुसार है या नहीं है, समय समय के साथ ये चेंज होता है। देन फॉरेन करेंसी में जो भी डिजिग्नेटेड डिपॉजिट्स हैं उसमें फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट को सैम्पल बेसिस पे आरबीआई गाइडलाइन से चेक कर लें, उसमें क्या क्रेडिट डेबिट हुआ है वो वेरीफाई कर लें। नॉर्मली इनमें ऐसा रहता है कि ये फिक्स्ड डिपॉजिट के फॉर्म में ही होते हैं, डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में नहीं होते, एक टर्म के बाद ही इसमें पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। हालांकि फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस पीआरएल में बुक किया जाएगा, इसमें इंटरेस्ट 360 डेज फ्लैट मान के चार्ज किया जाता है। फिर नॉन रेसिडेंट रिपैट्रिएबल और नॉन रिपैट्रिएबल एनआरई और एनआरओ अकाउंट्स होते हैं। रिपैट्रिएबल में पैसा कैश में आप रुपीज में निकाल सकते हो, नॉन रिपैट्रिएबल में आपको फॉरेन करेंसी में ही रखना पड़ेगा। तो एनआरई आर रिपैट्रिएबल, एनआरओ आर नॉट, तो आप वेरीफाई कर लीजिए आरबीआई के नॉर्म्स का। जनरली कोई भी डिपॉजिट में आप देख लीजिए डिपॉजिट बुक्स में जो है उतने ही दिखाए जा रहे हैं, ब्याज बुक हो रहा है और केवाईसी और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, दो नंबर का पैसा मैंने कहीं से इकट्ठा कर लिया और उसको बैंक में जमा कर दिया, तो ये गलत है। ये कैसे इंश्योर करूंगा नहीं हो ताकि जब तक बैंक मुझसे मेरे पूरे केवाईसी ना ले ले, मेरा पैन आधार ये वो सारी चीजें वो लेके, अगर आधार इज नॉट कंपलसरी, ये लेके अगर वो ओपन करेगी तो चांसेस ऑब्वियसली ज्यादा है कि दो नंबर के पैसे नहीं आए। बोरिंग्स में जो नॉर्मल प्रोसीजर्स होते हैं बोरिंग में, जिससे लिए उससे वेरीफाई कर लो, एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले लो। कोई आपने बोरिंग रिफाइनेंस के फॉर्म में लिए लिया था और आपने लच्चे किसी को पैसा दिया और किसी और से रिफाइनेंस किया तो उसके आप टर्म्स एंड कंडीशन अलग देख ले। मनी एट कॉलर शॉर्ट नोटिस आपने पैसा दिया है तो ऐसे डायल लिया है तो बोरिंग से वेरीफाई कर ली। देन या अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस विच इज बिल्स पेबल, क्या देखोगे भैया बिल्स पेबल है, यानी कि डिमांड ड्राफ्ट इज अ टाइप ऑफ बिल पेबल, मेरे पास पैसा आ गया मुझे पे करना, ड्राफ्ट मेल ट्रांसफर ट्रैवलर चेक। इसमें जो अनयूज फॉर्म है उसकी कस्टडी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इनमें नॉर्मली सीरियल नंबर या कोड्स लिखे जाते हैं वो इंपॉर्टेंट है, सिग्नेचर के बेसिस पे वेरीफाई होगा। टीटी और डीडी में आपको एडवाइस रेस करना होती है जैसे आप रेस करते हो ताकि जब पेमेंट के लिए प्रेजेंट हो तो पेइंग ब्रांच के पास एडवाइस हो कि अच्छा इंदौर ब्रांच को डीडी में लाता ही हुआ। इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट हमने देखा, इंटरेस्ट अक्रूड देखा, अब कंटिजेंट लाइबिलिटीज के ऊपर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कंटिजेंट लाइबिलिटीज। हालांकि पिछले अटेम में 22 में भी आया था इसके ऊपर क्वेश्चन। ऑडिट प्रोसीजर क्या होगा, तो भाई कंटिजेंट लाइबिलिटी बैंक्स में क्या क्या आती है, सबसे पहले गारंटी उसने एक्सेप्ट किया किसी के भी आप पे तो वो कंटिजेंट लाइबिलिटी है, एलसीज वगैरह कंटिजेंट लाइबिलिटीज हो सकती है, तो बेसिकली ऑल फॉर्म्स ऑफ गारंटी। इसी के अलावा हो सकता है कोई फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉरेन करेंसी के राइट की होंगे, भैया मैं आपको 6 महीने बाद इतनी फॉरेन करेंसी दूंगा, तो उसमें भी एक लाइबिलिटी है, एक्सचेंज रेट ऊपर नीचे होगा तो मुझे पैसे देना पड़ सकते हैं। तो व्हाट ऑल काइंड ऑफ कंटिजेंट लाइबिलिटी वुड अराइज, वन जो हर कंपनी में हो सकती है, क्लेम नॉट एक्नॉलेज्ड दैट किसी ने बैंक के ऊपर केस लगा दिया और मैं नहीं मानता कि वो मेरी लाइबिलिटी है तो वो भी कंटिजेंट लाइबिलिटी है, प्रोविजन नहीं है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पर आउटस्टैंडिंग गारंटी दिए या एक्सेप्टेंसेज लिए, जैसे एलसीज वगैरह होती है, मेरा कोई कस्टमर है जो इंपोर्ट करता है तो उसके सप्लायर को मैं एक एक्सेप्टेंस देता हूँ कि ये पैसे नहीं देगा तो मैं दे दूंगा लेटर ऑफ क्रेडिट। बिल्स फॉर कलेक्शन में हो सकता है आपने कोई बिल डिस्काउंट वगैरह किया है तो एक लाइबिलिटी आपके ऊपर कंटिजेंट है, कल दिन उसने पैसे नहीं दिए तो पैसा डूब सकता है, इस तरह की चीज़। तो ये अलग अलग फॉर्मेट है, इन सब में आपको प्रोसीजर्स दिए गए। तो जैसे जनरल प्रोसीजर्स अगर आपसे पूछे तो क्या लिखोगे आप, तो भैया ये सबसे पहले नॉन फंड बेस्ड है, यानी यहाँ पे मैंने पैसे नहीं दिए क्योंकि पैसे देता तो एडवांस हो जाता, इनफैक्ट किसी ने किसी से पैसे लिया मैंने गारंटी दी। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल फर्स्ट को एमपी गवर्नमेंट से एक कॉन्ट्रैक्ट मिला जिसमें उन्होंने बोला कि भैया आप सीए 11वीं 12वीं में बच्चों को फ्री में कॉमर्स में पढ़ाई करवाओगे जिसके बदले में हर बच्चे पे हम आपको इतने रुपए देंगे, प्रोवाइडेड आप एक बैंक गारंटी दो कि आप टर्म्स एंड कंडीशन का कंप्लायंस करोगे, बच्चों से फीस नहीं लोगे, स्टफ लाइक दैट। तो मैं बैंक के पास गया, मैंने बोला ऐसी गारंटी चाहिए, बैंक मुझे बोलेगा अच्छा कितने की है, मैंने बोला 10 लाख की गारंटी देना, बैंक बोलेगा भैया आप कोई सिक्योरिटी मेरे पास गिरवी रखो उसके बदले में मैं गारंटी लिख के दूंगा जिसमें ऐसा लिखा हुआ रहेगा कि फर्स्ट ने अगर इन टर्म्स एंड कंडीशन का कंप्लायंस नहीं किया तो पेनल्टी फर्स्ट पे करेगा, नहीं पे करने पे बैंक फर्स्ट के बिहाफ पे करेगी। तो ये हो गई परफॉर्मेंस गारंटी, ऐसी फाइनेंशियल गारंटीज होती है। तो ये सब बैंक कोई पैसे नहीं दे रही है, सिर्फ एक गारंटी का डॉक्यूमेंट दे रही है। तो नॉर्मली सबसे पहले क्या होता है, ये हो सकता है कंप्यूटर से जनरेट ना होकर मैन्युअली मेंटेन हो,
इसलिए इसमें कई बार फ्रॉड होते हैं। नीरव मोदी ने क्या किया था, उसने बैंक से ऐसे लेटर ऑफ कंफर्ट्स इशू करा लिए थे कि हाँ भैया हम नीरव मोदी को जानते हैं, बहुत समय से हमारे साथ काम कर रहे हैं और ये अच्छा क्रेडिट वर्थनेस वाला बंदा है। अब नॉर्मली इसका मतलब ये नहीं है कि बैंक गारंटी दे रही है, तो ऐसा लेटर उसने बनवा लिया। पर वो लेटर का ड्राफ्टिंग कुछ इस तरह का था कि थर्ड पार्टी है जो बैंक ने उसको उधारी पर माल दिया या सप्लायर ने उधारी पर माल दिया, उसने उसे बेस बना दिया कि भैया ये क्रेडिट वर्थनेस का जो डॉक्यूमेंट है पंजाब नेशनल बैंक ने इशू किया नीरव मोदी के फेवर में, इसके बेसिस पे हमने उसको उधार पे माल दे दिया। अब ये बंदा पैसे दे ही नहीं रहा है। आपने ये क्रेडिट वर्थनेस का लेटर जारी किया तो किया कैसे, जबकि इसकी क्रेडिट वर्थनेस थी नहीं आपके पास खुद के पास। जो आपने इसके क्रेडिट वर्थनेस के लेटर गारंटी जारी कर रखे उससे ज्यादा, उससे कम की इसकी सिक्योरिटी आपके पास, उससे ज्यादा की इसने लोन आपसे ले रखे, तो कहीं ना कहीं आपने हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी जिसके बेसिस पे हमने उसको लोन एक्सटेंड दिया, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। और पीएनबी को फिर उन लोगों को पैसे देना पड़ता है। तो ये जब तक पैसे नहीं दिए थे तब तक ऑफ बैलेंस शीट आइटम है, तो इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, दीज आर नॉन फंड बेस्ड लाइबिलिटीज। तो ये सब नॉर्मली हमारे एक्जिस्टिंग कस्टमर को देंगे। आप देखिए इसमें हमारे पास प्रॉपर कंट्रोल होना चाहिए। कंप्यूटराइज है तो बहुत अच्छा है, मैनुअल है तो बहुत रिस्की होता है क्योंकि पता नहीं कौन सा एम्प्लॉय क्या इशू कर दे। तो इसमें फिर हम नॉर्मली क्या करते हैं, बैंक गारंटी एक प्रॉपर स्टेशनरी पे इशू करते हैं, वो स्टेशनरी को कंट्रोल में रखते हैं, स्टफ लाइक। लेटर ऑफ क्रेडिट इज नथिंग बट नेगोशिएबल बैंक गारंटी। इसमें हम जो बैंक गारंटी देते हैं जिसको भी, वो चाहे तो उसे अपनी बैंक के साथ डिस्काउंट करा सकता है। फिर ड्यू डेट पे उसकी बैंक मुझे वो बैंक गारंटी देके मुझसे पैसे लेगी, मैं अपने कस्टमर से बोरोवर से वो पैसा लेके उनको पे कर दूंगा, होता ही है मैं पे कर दूंगा और उसके खाते में इसे निकाल लूंगा। चलिए तो इंटरनल कंट्रोल इंश्योर करेंगे कि ये प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई हो, कंप्लीटनेस चेक करना है और आपको वही क्लोजिंग बैलेंसेस वगैरह वेरीफाई करना है। क्लेम्स नॉट एक्नॉलेज दैट किसी ने हमारे ऊपर क्लेम लगाया तो हम लॉयर वगैरह से पूछ लेंगे। लिटिगेशन और क्लेम्स कैसे चेक करते हैं, वैसा ईयर एंड पे देख लेंगे कितने आउटस्टैंडिंग है, सब्सिक्वेंट इवेंट्स यूज कर सकते हैं, टू असेस की कोई लाइबिलिटी तो नहीं आ रही। आउटस्टैंडिंग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में देख लेंगे हमारी लाइबिलिटी कितनी है, कोई बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट तो हमने नहीं कर रखे, ये वेरीफाई कर। गारंटी दी है तो सबसे पहले गारंटी देने पे कंट्रोल होना चाहिए। अनयूज गारंटी के फॉर्म्स पे कंट्रोल होना चाहिए। रजिस्टर बनाया जाएगा कि गारंटी कब दी थी। ड्यू डेट जब गारंटी की आ जाती है तो नॉर्मली गारंटी 2-3 साल के लिए दी जाती है, तो एक्सपायर्ड गारंटी वापस फिजिकल डॉक्यूमेंट मंगाया जाता है, तो वो आया या नहीं ये आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। कई बार गारंटी के अगेंस्ट में काउंटर गारंटी मिलती है, मैंने गारंटी दी और मेरी होल्डिंग कंपनी ने काउंटर गारंटी दे दी, तो वो भी रिकॉर्ड होना चाहिए। S29 इस पे एप्लीकेबल। गारंटी जब निगोशिएबल होती है, मैंने आपको गारंटी दी है तो क्या होगा, ड्यू डेट पर मेरे कस्टमर ने पैसा नहीं दिया तो बैंक पैसे देगी, पर आप इस गारंटी को लेके किसी के पास गिरवी रख के लोन नहीं ले सकते। अगर ये आप ऐसा कर सकते हो तो फिर वो लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, एक्सेप्टेंस कहते हैं। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरा एक कस्टमर है नीरव मोदी जो डायमंड्स इंपोर्ट करता है, उधारी पे इंपोर्ट करता है, तो उसके सप्लायर ने बोला भाई उधार चाहिए तो अपनी बैंक से गारंटी दिलवा और वो लेटर ऑफ क्रेडिट के फॉर्म में दिलाओ। तो मैंने बोला मैं नीरव मोदी को जानता हूं, मैं ये लेटर ऑफ क्रेडिट दे रहा हूं, 6 महीने बाद ये पैसे देगा, नहीं देगा तो मैं दूंगा। अब नीरव मोदी ने माल इंपोर्ट किया, उधारी पर किया, उसके लिए मैंने लेटर ऑफ क्रेडिट दे, मैंने यानी मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पंजाब नेशनल बैंक को दे दिया। वो बैंक ऑफ अमेरिका, अमेरिका से मैंने ये सप्लायर था, तो उसने अपनी बैंक ऑफ अमेरिका के पास बोला कि अरे ये पंजाब नेशनल बैंक की एक लेटर ऑफ क्रेडिट है, 6 महीने बाद इसमें पैसे आने वाले, मुझे आज पैसे चाहिए, आप इसे गिरवी रख के मुझे आज आपका डिस्काउंट काट के पैसे दे दो। तो बैंक ऑफ अमेरिका पैसे दे देगी, 6 महीने बाद बैंक ऑफ अमेरिका सीधे आएगी पीएनबी के पास और बोलेगी ये लेटर ऑफ क्रेडिट का पैसा आप मुझे दे दो। लेटर ऑफ क्रेडिट जिसके नाम पे बनाया उसी को पैसा देना ऐसा नहीं है, ये बिल निगोशिएबल बिल जैसा है, जिसने प्रेजेंट किया मुझे उसको पैसे देना। पर बैंक गारंटी होगी तो जिसके नाम पे बनी है मैं उसी को पैसे दूंगा, वो भी कब, जब मेरा बार बार पे, तो ये फर्क होता है जिसे एक्सेप्टेंस बोल। तो मेरे भाई आपको यही सब चीजें वहां पे भी करना पड़ेगी कि भैया इंटरनल कंट्रोल होना चाहिए, रजिस्टर मेंटेन होगा, अनयूज फॉर्म्स पे आपको कंट्रोल ध्यान रखना पड़ेगा, कितनी गारंटी इशू करी है, ड्यू डेट निकल गई है तो उसके बाद उसका क्या हुआ है, लेटर ऑफ कंफर्ट कहीं ही हमारी ऐसी गारंटी तो नहीं बन जाएगी, ये चेक करें। बिल्स फॉर कलेक्शन मेरे पास कोई बैंक ऑफ अमेरिका के पास जैसे गारंटी या लेटर ऑफ क्रेडिट आया और बोला कि इसको आप प्रेजेंट करके पीएनबी से पैसा ले लो, 6 महीने पूरे हो गए आप कलेक्ट कर लो, तो बिल्स फॉर कलेक्शन। तो उसमें अगर हमने पैसा अभी दे दिया कस्टमर को, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो ठीक है, पर सपोज लेट्स से हमने क्या किया, हमने बोला ठीक है पैसा आ जाएगा हम दे देंगे, तो उस केस में हमने क्या किया, यहाँ पे एक रिकवरेबिलिटी का डाउट है कि पीएनबी ने पैसे नहीं दिए तो हो सकता है कि मेरे पैसे डूब जाए किसके, बैंक ऑफ अमेरिका के, तो बैंक ऑफ अमेरिका ने हाथों हाथ पैसे दे दिए और बोला पीएनबी से मैं रिकवर कर लूंगा, तो उसके ऊपर एक रिस्क है, कंटिजेंट लाइबिलिटी। तो सेम इंटरनल कंट्रोल है, कलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ड्यू डेट पर आउटस्टैंडिंग बिल चेक कर रहे हैं। ऑडिट अप्रोच कंटिजेंट लाइबिलिटी में क्या होगी, तो यहाँ पे हमारा ओवरऑल इंटेंशन क्या होगा, रीजनेबल इंश्योरेंस की सारी कंप्लीटनेस रिकॉर्ड हो गई है प्लस उनका मेजरमेंट प्रॉपर हो चुका है, तो इसके लिए मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लेंगे कि उन्होंने सारी बता दी है, सबको डिस्क्लोज कर दिया है और उनमें से कोई भी इमर्ज नहीं हुई है एज अ लाइबिलिटी, उसका अमाउंट सही सही है। डायरेक्टर वगैरह के बिहाफ पे कोई गारंटी इशू की है तो उसके लिए अप्रोप्रिएट अप्रूवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स के लिए या नहीं है, और एक ऐसी कोई कंटिजेंट लाइबिलिटी जिसमें चांसेस रिमोट है इसलिए बोलता है कि आप उसे डिस्क्लोज मत भी करो, तो उसका फिर मैनेजमेंट जस्टिफिकेशन। चलिए, इन्वेस्टमेंट सेल टू मैच्योरिटी अवेलेबल फॉर सेल एंड फॉर ट्रेडिंग क्लासिफाई होते हैं, इंटर ब्रांच ऑफिस एडजस्टमेंट हमने डिस्कस कर लिया। रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम बैंक में होना चाहिए जिसका बेसिक उद्देश्य है ये इंश्योर करना कि जो गवर्निंग बॉडी ऑडिट कमेटी जैसी वो ओवरसाइट रखे बैंक्स पे जो कंट्रोल चल रहे हैं उसके ऊपर, आइडेंटिफाई करे रिस्क को, कंट्रोल एक्टिविटीज लगाए, मॉनिटर करे और रिलायबल इन्फॉर्मेशन सिस्टम। ये सेम वही है जो ऐसे 315 में आप लोग देखते हो, कॉम्पोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल, मौसी काकी रैप जो अपन बोलते थे। तो कंट्रोल एनवायरमेंट TCWG का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, टॉप बॉडीज का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स आपके होने चाहिए, कंट्रोल एक्टिविटीज होना चाहिए, मॉनिटरिंग होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन सिस्टम होना चाहिए। चलिए,
गुड्स के अगेंस्ट में एडवांस दिए हैं तो हाइपोथिकेशन होता है, वहां पे अपन एक टेबल अपना वो लगाते हैं बोर्ड की, दीज गुड्स आर हमारी बैंक के गुड्स इनको मॉर्गेज्ड है। हमें स्टॉक स्टेटमेंट लेना होंगे रेगुलर बेसिस पे, वेरिफिकेशन करना पड़ेगा कि जो हमें बताया जा रहा है वो सही है या नहीं है, उसका इंश्योरेंस हमारे फेवर में कराना पड़ेगा। ध्यान रखना है कि स्टॉक वो जो भी रखा हुआ है उसका कंपनी के ऊपर ओनरशिप होना चाहिए, ये सारे पॉइंट। वस्त्रों का मतलब होता है दूसरी कंट्री की बैंक इंडिया रुपीज में मेंटेन करती है बैलेंस, क्योंकि उसके कई सारे इंडियन कस्टमर्स होंगे जिनको पैसा देने के लिए रुपीज लगते हैं। इंडियन बैंक अगर डॉलर्स में पैसा फॉरेन कंट्री में मेंटेन करती है तो वो नॉस्ट्रो अकाउंट, ये वस्त्रों आर बैंक इन योर अकाउंट, योर बैंक योर अकाउंट इन आर, ऐसा। इसमें आप क्या चेक करोगे भाई, रिकंसिलिएशन जैसे कोई भी बैंक में चेक करते हैं, इनवर्ड आउटवर्ड में जैसे जो कंफर्मेशन फॉर्म तौर पर डॉट कॉम कंपनीज, तो ऐसे कभी ऐसा एग्जाम्पल आ जाए कि मैंने सॉफ्टवेयर कंपनी को लोन दिया तो आप क्या चेक करोगे, तो जो नॉर्मल चेकिंग होती है वही वेरीफाई आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। एनपीए क्लासिफिकेशन देखा, एलएफईआर में एडवांसेस से रिलेटेड आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी है वो है, एंड देन योर लास्ट टॉपिक इज कॉन्करेंट। चलिए तो खूब सारा थ्योरी हो गया, बट ये सुन के एक बार एटलीस्ट कुछ क्वेश्चन आएंगे तो आप लिख पाएंगे। कॉन्करेंट ऑडिट बड़ा सिंपल है, बैंक में आप चाहो तो अपने एम्प्लॉई से या एक्सटर्नल बंदों से कॉन्करेंट ऑडिट करा सकते हैं। कॉन्करेंट ऑडिट बैंक खुद अपॉइंट करेगी, वो डिसाइड करेगी। आरबीआई कहता है कि भाई आपके टोटल डिपॉजिट और एडवांसेस का 50% कॉन्करेंट ऑडिट में कवर होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं आधी ब्रांचेस कवर करो, बड़ी बड़ी ब्रांचेस थोड़ी कवर करोगे तो भी काम होगा, पर सिर्फ बड़ी ब्रांच नहीं, रिस्क आइडेंटिफिकेशन करो, कहाँ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन ज्यादा हो रहे हैं, एग्री ब्रांचेस कौन सी है, हाई रिस्क एरिया की ब्रांचेस कौन सी है, कहाँ ट्रेजरी ऑपरेशन, ऐसे हर तरह की ब्रांचेस को आप इसमें कवर करने की कोशिश करें। नॉर्मली कॉन्करेंट ऑडिटर जो होता है वो कैश डिपॉजिट जो आ रहे हैं, लोन जो दे रहे हैं, एडवांसेस, इन्वेस्टमेंट्स अगर हो रहे हैं ब्रांच पे तो वो फॉरेन एक्सचेंज, हाउसकीपिंग और अदर आइटम्स पे ध्यान रखें, अदर आइटम्स लाइक आईटी सिक्योरिटी रिस्क, ये सब चीज। ये साथ साथ में ऑडिट होता है, कॉन्करेंट ऑडिट इंटरनल ऑडिट का ही टाइप है ये। इसका मतलब बेसिकली होता है जैसे ही ट्रांजैक्शन हुआ उसको साथ साथ में चेक कर लिया तो अर्ली वार्निंग सिग्नल मिल जाते हैं, चीजें बिगड़ती है उससे पहले हमें पता पड़ जाता है या टाइमली पता पड़ जाता है, सीरियस अटेंशन एरियाज पता पड़ जाते हैं, और इन सबको एक बार साल में इफेक्टिवली रिव्यू करके इंटरनल कंट्रोल्स में इंप्रूवमेंट की क्या जरूरत है ये देखा जाता है। कवरेज 50% आपको करना है, बाकी बैंक खुद डिफाइड करेगी अलॉन्ग विद हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट ऑडिट कमिटी बोर्ड दैट व्हाट ऑल थिंग्स शुड बी कवर्ड। ये ब्रॉड एरियाज है जो आरबीआई चाहता है कि आप कवर करें। सेंसिटिव एरियाज, सेंसिटिव ब्रांचेस को वेरीफाई करें और ध्यान रखें कि रिस्क बेस्ड होना चाहिए। कैश में क्या चेक करोगे, इन्वेस्टमेंट्स में क्या, डिपॉजिट्स में क्या, एडवांसेस में क्या, तो जो अपने इंटरनल कंट्रोल्स के वेरिफिकेशन में देखे थे उस तरह के पॉइंट्स हैं। फॉरेन एक्सचेंज में फॉरेन बिल्स नेगोशिएटेड एनालिसिस, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट्स में देख लीजिए डेबिट क्रेडिट क्या क्या है, वो सब एज पर आरबीआई नॉर्म्स अलाउड नॉर्म्स के अनुसार है या नहीं, इनवर्ड आउटवर्ड रेमिटेंसेस, नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट की वेरिफिकेशन, करेंसी में आपके क्या बैलेंसेस है, गेन लॉस क्या है। हाउसकीपिंग का मतलब क्या होता है, भाई आपके यहाँ बुक्स प्रॉपरली मेंटेन है, इंटरेस्ट वगैरह लग रहा है, स्टाफ के अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस प्रॉपर हो रहे हैं, पे बुक देख रहा है, रेवेन्यू लीकेज वगैरह हो रहा है, डीडीएमटी जो आप बना रहे हैं वो सब प्रॉपर, यानी बैंकिंग ऑपरेशंस ओवरऑल प्रॉपर है क्या। अपॉइंट कौन करेगा, आपका स्टाफ एक्सटर्नल, किसी को भी आप कर सकते हो, आप खुद करो। ऑडिट कमेटी बोर्ड की जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करे, ये इंपॉर्टेंट है, कोई भी कॉन्करेंट ऑडिट एक बैंक में 5 साल से ज्यादा कंटिन्यूअसली अपॉइंट नहीं होगा, और एक ब्रांच का 3 साल से ज्यादा कंटिन्यूअसली कॉन्करेंट ऑडिट नहीं, तो 3 साल तक एक ब्रांच करा लो, फिर 2 साल तक दूसरी ब्रांच करा लो मैक्सिमम। एक्सटर्नल फर्म सीरियस एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन नोटिस्ड अपॉइंटमेंट कैंसल्ड एंड रिपोर्टिंग टू आरबीआई एंड आईसीएआई, यानी अगर कॉन्करेंट ऑडिटर ने काम ढंग से नहीं किया तो उसके बारे में आरबीआई और आईसीएआई को आपको बताना। रेमुनरेशन ऑब्वियसली बात है, ऑडिट कमेटी बोर्ड ऑफ द बैंक डिसाइड करेगी या कर रेकमेंड कर सकती है, और कंपनी बैंक डिसाइड करेगी और बैंक को ही पे करना पड़ेगी। नॉर्मली रिपोर्टिंग का एक फॉर्मेट होता है, उनमें उसे रिपोर्ट करना पड़ती है। ध्यान रखना कोई मेजर डेफिशिएंसीज अगर आई है तो इमीडिएटली आपको फिर बैंक के ऑफिस को रिपोर्ट करना, यूजुअली ये लोग मंथली रिपोर्ट दे सकते हैं बड़ी ब्रांच हो तो, नहीं तो क्वार्टरली रिपोर्ट, प्लस एक क्वार्टरली एग्जीक्यूटिव समरी बनाते हैं जिसमें सिर्फ की फीचर्स कि भैया 3 महीनों में इतने नए खाते खुले, इतने एडवांस दिए, इतने एनपीओ हुए, इतने एनपीओ होने से बचे, ये रेवेन्यू लीकेज, जो ऐसे हाइलाइट्स जो ऑडिट कमेटी बोर्ड के सामने रखी जाती है। जोन वाइज रिपोर्टिंग होती है, फंडिंग्स ऑडिट कमेटी के साथ दी जाएगी, फिर एक एनुअल अप्रेजल होता है साल भर की रिपोर्ट्स का। कोई भी रिपोर्ट डिस्कस करने देने से पहले आप मैनेजमेंट से डिस्कस करो, माइनर इररेगुलरिटी हाथों हाथ कम्युनिकेट कर दो, पर सीरियस है तो फिर उसे इमीडिएटली आपको एचओ को रिपोर्ट करना पड़ता है। रेड फ्लैग एरियाज बोलते हैं, फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन डिटेक्ट हुए तो बैंक में चीफ विजिलेंस ऑफिसर होता है उसे, प्लस इमीडिएटली आप इंस्पेक्शन ऑडिट डिपार्टमेंट ऑफ एचओ को रिपोर्ट करोगे, आरबीआई को रिपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। कॉन्करेंट ऑडिट में फॉलोअप एक्शन लिए जा रहे हैं, ये भी चेक करना होता है कॉन्करेंट ऑडिटर को रिपोर्ट करना। ऑडिट कमेटी की जिम्मेदारी है कि वो आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार इंश्योर करें कि हमने कॉन्करेंट ऑडिटर को डायरेक्शंस दे दिए हैं क्या क्या काम करना है, चेक करें कि भैया कॉन्करेंट ऑडिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसका रेमुनरेशन वगैरह डिसाइड करें। और इसी के साथ ही आपका पूरा चैप्टर ऐसे ही बातों बातों में हो गया। देखो आप थ्योरी 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 थी कितना हल्का फुल्का लग रहा है, इनफैक्ट बड़ा ही ऐसे देखा जाए तो कुछ है नहीं ऐसा कुछ खतरनाक सा इस चैप्टर में। इस इज दैट कवरेज, एक बार आपने सुन लिया बढ़िया सी, आपके नोट्स हो गए, प्रिंट ले लिया, दोबारा इसको रिव्यू कर लिया, चांसेस पूरे हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हैंडल कर पाओगे। दिस इज बेसिकली योर ऑडिट ऑफ बैंक्स। थैंक यू।